अभिनंदन की भक्ति करने वाले मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे पवित्र नाम दिया, और इस पवित्र नाम को प्राप्त करने के बाद एक बात तो आप समझ लीजिए कि कृष्ण मेरे नाम में हैं, कृष्ण मेरे काम में हैं, कृष्ण मेरे रगों में हैं, कृष्ण मेरी श्वासों में हैं, कृष्ण मेरे रक्त में है, या मैं ये कहूँ कि कृष्ण के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, कृष्ण मेरी संस्कृति में है। तो अगर देवकीनंदन को डिफाइन करना होगा तो एक ही बात कहूँगा कि माँ बाप से लेकर मैं कृष्ण तक हूँ, इसके सिवा मैं कुछ भी नहीं हूँ। उन्हीं की कृपा है, और डिफाइन उनको किया जाता है जिनका कोई वजूद होता है। मेरा वजूद क्या है? मेरा वजूद कुछ नहीं है। मेरा वजूद देवकीनंदन, यशोदानंदन, नंदनंदन, वसुदेव नंदन, मेरा जितना भी वजूद है वो उन्हीं से है, और उनके सिवा मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देवकीनंदन के, उस देवकीनंदन के सिवा इस देवकीनंदन का कुछ भी नहीं है। तो उनकी कृपा से जो मुझे प्राप्त हुआ है वो यही है। और देवकीनंदन को मैं अगर अल्प में कहूँ तो ये कहूँगा कि मैं ठाकुर जी का एक छोटा सा कण हूँ, और उनके द्वारा दिया हुआ जो कार्य है उसे करने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये कार्य ठाकुर जी ने मुझे सौंपा है। तो आप अपने आप को उनका कृपा पात्र ही मानते हैं? बस, वाह, एक संत की परिभाषा ऐसी ही होनी चाहिए। मेरे साथ VSCT जो एक धार्मिक संस्था है, विश्व शांति सेवा मिशन, जो सामाजिक कार्यों में संलग्न है और कुछ ना कुछ वो देश में करते रहते हैं, उनके सचिव विजय शर्मा जी मेरे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि विजय शर्मा जी का परिचय विजय शर्मा जी की जुबानी। अभी जिस प्रकार महाराज जी ने कहा कि बड़ा अच्छा परिचय महाराज जी ने कराया कि उनकी कृपा से ही सब कुछ है, तो वही परिचय हमारा है कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो भगवान की कृपा से और महाराज जी के मार्गदर्शन से इस कार्य में हम लगे हुए हैं, और समाज सेवा ही हमारा परिचय है। मैं आपसे थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूँगा। एक बड़े भाई जहाँ धर्म की सेवा में लगे हुए हैं, तो दूसरे जो भाई हैं वो समाज की सेवा में लगे हुए हैं। VSCT को हम अक्सर पेज पे लाइक करते हैं, देखते हैं, वहाँ आई पोस्टों को देखते हैं। मैं इससे पहले कि कल्चर टूरिज्म तरफ आगे बढ़ूँ, छोटा सा मैं एक विजय शर्मा जी से पूछना चाहूँगा कि असल में ये VSCT है क्या? VSCT एक धार्मिक ऐसी संस्था है जिस संस्था ने हमेशा सपना देखा है उन गरीबों का, उन बेसहारा लोग जो धन के अभाव से, अपनों के अभाव से, और कई ऐसे अभाव हैं जो कई विषय नहीं कर पाते, और कई चीज़ ऐसी हैं जो दुनिया को चाहिए, दुनिया को ज़रूरत है, वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो वो VSCT वहाँ पहुंचकर एक उम्मीद रखती है कि उन तक पहुंचा जाए, और विश्व शांति का एक सपना जो महाराष्ट्र ने, हम सब ने मिलकर देखा है, उस सपने को साकार ये VSCT कर रही है, और VSCT हमेशा ऐसे ही कार्य करती रहेगी, और जितने भी हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, ये VSCT का बहुत जल्दी सपना बहुत जल्दी पूरा होगा और आप तक पहुंचेगा और दिखाई देगा। हमारे देश में बहुत सारे संगठन हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, और अगर हम अपने ग्रंथों को, इतिहास को देखें, तो वहाँ भी ऐसा नज़र आता है कि बहुत सारे धार्मिक लोगों ने समाज में बदलाव लाया है। आइए हम अब महर्षि की तरफ बढ़ते हैं। महर्षि, क्योंकि आप एक धार्मिक, आपका व्यक्तित्व है और धर्म के माध्यम से ही आप दुनिया आपको जानती है, आपका प्रचार या कृष्ण का प्रचार आपके मुख से, या लोग आपका जो आपका परिचय आपके बारे जानते हैं वो धर्म के संबंधित है। यहाँ अक्सर दो प्रश्न आते हैं, कहीं धर्म और कहीं अध्यात्म। क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या एक ही हैं, या ये दोनों अलग हैं? यहाँ लोग काफ़ी ये चर्चा का विषय भी है और विवाद का विषय भी है। नहीं, विवाद का विषय नहीं है, आपका बड़ा गूढ़ प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर कॉमन लोगों तक, किसी को अधिकांश इसका मालूम ही नहीं है, और इसकी गहराई में आप जितना चले जाओगे आपको उतना समझ में आएगा। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी हम सबको ये काम तो करना ही है। धर्म में ढाई अक्षर ही आ रहे हैं, धर्म में आधा र,
ध और म, धा के द्वारा, धा शब्द जो है उसके द्वारा मतलब जो धारण किया जाए, म मतलब मेरे द्वारा, और जो आधा अक्षर बच रहा है र, र का मतलब संस्कृत में हम लोग जो इसको कर के माध्यम से भी समझ सकते हैं, तो हमारे द्वारा जो धर्म धारण किया गया अर्थात करों के द्वारा जो हाथों के द्वारा किया गया उसको हम लोग धर्म कहते हैं। और भी मैं आपको इसमें हल्का सा कुछ बताऊं कि जब भी कोई धर्म किया जाता है, धर्म एक इच्छा के अनुसार किया जाता है, एक जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं, मेरे पुत्र नहीं है तो मैं पुत्रिष्ठ यज्ञ कर रहा हूँ, तो वो एक धर्म ही है, लेकिन उसमें कामना बसी हुई है मेरे को पुत्र चाहिए। राजसी यज्ञ कर रहे हैं क्योंकि मुझे राज चाहिए, और हम लोग कई यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, संकल्प करते हैं या कुछ भी करते हैं, उन सब का एक ही मीनिंग होता है कि मुझे कुछ चाहिए। तो जिसमें चाहत छिपी हो उसको हम लोग धर्म कहते हैं, लेकिन जो अध्यात्म है वो उससे बहुत परे की चीज़ है, वो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इस धर्म को समझ लें। धर्म जो धारण किया गया मेरे द्वारा, और धर्म के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है जाति। जाति का मतलब समाज का बंटवारा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है जो कि भगवान श्री राम के राज्य के समय से उपस्थित है, और ये इस समाज को चलाने के लिए थी। समाज को चलाने के लिए क्यों थी, क्योंकि एक घर को चलाने के लिए सब लोग एक जैसे नहीं होंगे, वहाँ अलग अलग प्रकार के भी लोग होंगे। तो क्या ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो समाज को बांटने का काम है वो कहीं ना कहीं राम जी के द्वारा हुआ या अनजाने में हुआ? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। राम बांटते नहीं है, राम जोड़ते हैं। राम का काम है सबको जोड़ना, धर्म का काम है सबको जोड़ना, लेकिन जिनके विचार बहुत छोटे होते हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है था कि वैश्य का काम करने वाला ही वैश्य है। अगर ब्राह्मण का बेटा भी अगर दुकान खोल के बैठ जाएगा तो उसे वैश्य ही कहा जाएगा, या वैश्य का बेटा भी दुकान खोल के हजामत करने लगेगा तो उसे नाई ठाकुर ही कहा जाएगा। तो जो अपने द्वारा सेलेक्ट किया जाता है कर्म, और ये स्वतंत्रता होती है कि आपको क्या करना है, तो उनके द्वारा जो कर्म, ये जाति व्यवस्था मतलब है कि उस समाज को चलाने के लिए, समाज को बांटने के लिए नहीं। जो आजकल इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं, लेकिन धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। तो एक तो इच्छाओं के द्वारा, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो किया जाता है वो धर्म है। एक समाज को चलाने के लिए जो एवरीडे हम लोग करते हैं, वो माला करना भी एक धर्म है, मंदिर जाना भी एक धर्म है, तीर्थ करना भी धर्म है, लेकिन उन सब में अपनी इच्छाएं छुपी हुई हैं। इन इच्छाओं से परे शब्द है एक अध्यात्म, और वो अध्यात्म विषय शरीर का नहीं है, वो धर्म हमारे शरीर के बाहर का विषय है, और जो अध्यात्म है वो मेरे शरीर के भीतर का विषय है। वो अध्यात्म इतनी बड़ी सोच है जो इच्छाओं से परे हमको पहुंचा देता है, जहाँ पे हमारी कोई डिमांड, कोई रिक्वायरमेंट, कोई डिज़ायर रहता ही नहीं है। फिर एक ही चीज़ होती है कि इस आत्मा को मुझे उस परमात्मा तक पहुंचा देना। जैसे कि नदियाँ क्या हैं, ये धर्म का स्वरूप मान लीजिए, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होती हुई बिलखती हुई ये नदियाँ चली जाती हैं, कहाँ इनकी एक मंजिल होती है, मुझे सागर में पहुँचना है। लेकिन सागर क्या है, सागर क्या है, क्या कहीं जाता है, सागर की क्या कोई इच्छाएं हैं? नहीं, सागर अपने आप में धीर गंभीर स्वतंत्र है। वो इच्छा पालता है कि लोग मेरे तक पहुंचे, और वो अपने आप में मग्न है, अपने आप में स्वतंत्र है। तो जो उस लेवल में पहुंच जाता है व्यक्ति, जो उस कंडीशन में पहुंच जाता है, उसको हम लोग अध्यात्म कहते हैं। और जो वहां तक पहुंच गया है, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता, ये गुरु कृपा और गोविंद की कृपा से ही प्राप्त होता है, सत्संग की कृपा से ही प्राप्त होता है। इस अध्यात्म का मतलब है अपनी इस रूह को परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देना, जो कि मानव जीवन का परम लक्ष्य है। धर्म जो धारेति, जो धारण किया जाए वो धर्म है, और जो परमात्मा, परमात्मा तक पहुंचाने का जो मार्ग है, जहां सारी इच्छाओं का दमन हो जाता है, वो अध्यात्म है। महर्षि, क्योंकि हम आपके फेसबुक पर लाइव हैं और आपके हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, और उनके जो प्रश्न है वो आने शुरू हो गए हैं। एक मेरे सामने मनीष झा जी का प्रश्न आ चुका है, उनका प्रश्न है कि कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह क्यों किया, उन्होंने बेटी के रूप में उन्हें क्यों नहीं अपनाया। काफी विवादास्पद है, लेकिन क्योंकि अभी इस प्रश्न का समय नहीं आया, मनीष झा जी, हम आपके प्रश्न का उत्तर महर्षि से जरूर लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम क्रमबद्ध है तो क्रमबद्ध ही चलेगा। ये प्रश्न आपका है, हम अंत में आपका इस आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। जो महर्षि ने अभी बताया, धर्म, धर्म यानी एक व्यवस्था है, एक कानून है, एक नियम है समाज को के कार्यों को बांटने का, और उन कार्यों को कि कौन क्या कार्य करेगा, जिसने जो विचार धारण किया और जैसा उसने सोचा वो कार्य, वो कार्य हो गया, कार्य ही धर्म है, और जो विचार आपने अपनाया उस विचार से जो किया गया। अध्यात्म इससे बिल्कुल अलग है। मैं महर्षि से जो अगला प्रश्न है वो इनसे लेना चाहूँगा
क्योंकि महाराज श्री कृष्ण नगरी से हैं, कृष्ण भूमि से हैं, इनका नाम भी कृष्ण के नाम नाम पर ही है और ये कृष्ण कथा कहते हैं। महाराज श्री, मेरा आपसे एक प्रश्न है। कृष्ण को मानने वाले बहुत हैं और अब तो अलग अलग संस्थाएं और अलग अलग इनके वर्ग भी खड़े हो गए हैं। अगर मैं कुछ शब्दों में आपसे पूछना चाहूं कि कृष्ण आपकी नज़र में क्या है, आप कृष्ण को कैसे परिभाषित करेंगे? कृष्ण को परिभाषित करना ये तो बड़ा कठिन कार्य है। आप एक बात समझ लीजिए, सागर की गहराई लोग नाप लेते हैं पर कृष्ण की गहराई कोई नहीं नाप सकता। आप जिस पावन भूमि पर बैठे हैं, इस पावन भूमि पर हमेशा से कृष्ण और गोपियों की चर्चा होती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि कृष्ण और गोपी प्रॉपर हैं क्या। गो माने इंद्री, पी माने उन इंद्रियों का पति, जो उन गोपियों का पति है अर्थात जो इस ब्रह्मांड का पति है उसे कृष्ण कहते हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, भगवान श्री कृष्ण के उस अपार तत्व को भला कौन व्यक्ति जान पाया है, कौन व्यक्ति समझ सकता है। उसको समझने की शक्ति हर किसी में नहीं है, लेकिन अगर कृष्ण को कहा जाए तो कृष्ण सिर्फ माखन चोर नहीं है, कृष्ण सिर्फ मैया यशोदा के लाला ही नहीं है, कृष्ण सिर्फ 16,108 पटरानियों के ही पति नहीं है, कृष्ण है जगतपति। कृष्णम वंदे जगत, अगर उसको एक अक्षर में मैं कहूँ, एक शब्द में मैं कहूँ या एक सब मैं एक सेंटेंस उसके लिए बोलूँ तो होगा कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु किसे कहते हैं? जो विश्व का पालक है, जो विश्व गुरु का लक्षण क्या है, जो सबका भला करे। और अगर कोई दुष्ट लोग न समझें तो उन्हें थोड़ा डांट के झपट के उन्हें समझाए। और ये कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये रोल उन्होंने पूरा का पूरा अदा किया है महाभारत में। जो लोग राजी से समझे उन्हें राजी से समझा दिया, जो नहीं समझे उन्हें अर्जुन के द्वारा समझवा दिया गया, और फिर भी नहीं समझे उन्हें अपने हाथों से ही समझा दिया गया। तो कि कृष्ण जो है पूरे विश्व का कल्याण करने वाले हैं, पूरे जगत का कल्याण करने वाले। गुरु का काम है उपदेश देना, गीता दी, एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ दिया उन्होंने जिस ग्रंथ को पाकर अनेकों ब्रांचेज आजकल खुल गई हैं। उसी गीता से लोग कहते हैं कि हमारा धर्म है, ये हमारा मजहब है, लेकिन सब ब्रांचेज गीता की हैं, सब ब्रांचेस गीता की हैं। तो ये कृष्ण को डिफाइन करना या उनको बताना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। महर्षि, आपसे मैं इस पे और जानूं, चिंपांजी द्विवेदी का एक हमारे सामने प्रश्न आया है कि मेरे कॉलेज में मॉर्निंग प्रेयर नहीं होती, यानी कि सुबह की जो प्रार्थना है वो नहीं होती, और जब भी मैं ये प्रेयर करने की बात करती हूँ तो बच्चे हंसते हैं और टीचर भी डांटते हैं। मुझे लगता है कल्चर टेररिज्म पर पहला क्वेश्चन तो आ चुका है। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि जब आप एक मैसेज करते हैं आप हमें, या आप इसमें कमेंट करते हैं, तो कमेंट में आपका नाम तो आता है लेकिन आपके शहर का नाम नहीं आता। तो अपने क्वेश्चन के नीचे आप अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम ये बता सकें कि ये आप, हमें पता चल सके कि आप कहां से हैं। आप अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, आप जरूर लिखें। महर्षि, अभी जो गीता है वो देश में की पूरी अदालतों में कसम खाने के लिए रखी जाती है कि आप झूठ ना बोलें। पहला प्रश्न तो ये है, क्या ये सही है लोग झूठ ही ना बोलें, उसके लिए गीता जी पढ़ाई जाए या कुछ ऐसा किया जाए? आप इस पे एक तो ये मुझे बताइए। दूसरा, जितने भी अवतार हुए हैं, पैगंबर हुए हैं पूरे विश्व में, अगर देखा जाए तो एक ही ने कहा है कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, बाकियों ने कहा कि मैं पैगंबर हूँ या मैं अवतार हूँ, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इस देश का दुर्भाग्य है, बापू ने गीता लेके देश को आज़ाद कराया, और बापू ने स्वयं ने कहा जब जब मैं फंसा तब तब गीता मेरा सहारा बनी। दूसरा, आप एक और चीज़ समझें कि आज गीता को सिर्फ अदालतों तक सीमित कर दिया, जो अभी आपने कहा कि सिर्फ कसम खाने के लिए। कसम किसकी खाई जाती है? जो सबसे श्रेष्ठ हो, और जो सबसे श्रेष्ठ है तो फिर उसे हमारे बच्चों को अधिकार क्यों नहीं है कि वो पढ़ें? आज आप देखिए हमारे बच्चियाँ दुखी हैं, हमारे बच्चे दुखी हैं। पंजाब साइड में आप चले जाइए और कई जगह पे चले जाइए जहाँ पर नशे की इतनी बुरी लत पड़ी हुई है लोगों में, उससे सारा उनका मानव जीवन जो है एकदम बर्बाद हो रहा है। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि अगर मेरे बच्चों को, मेरे देश के बच्चों को गीता दे दी गई होती
तो आज मेरे बच्चों का ये भविष्य नहीं होता जो आज हमें आंखों के आगे दिख रहा है। इसी को मैं कह रहा हूं कल्चर टेररिज्म, यही है कल्चर टेररिज्म। आप धीरे धीरे स्लो पॉइजन देके मेरे देश को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और गीता, क्योंकि गीता अमृत है, गीता क्या है, गीता तत्व दर्शन है, गीता क्या है, जीवन का एक अमूल्य पहलू है। उस गीता को हम लोग पढ़ेंगे तो हम जीवन के रहस्य को समझ जाएंगे, जीवन जीना आ जाएगा। इसलिए हम ये सब समझना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, ये हमारा दुर्भाग्य। और कुछ लोगों ने हमें बंदी बना रखा है, मैं गारंटी से कहता हूं ये सोची समझी रणनीति है, ये सोची समझी रणनीति है कि मेरे बच्चों तक रामायण ना जाए, मेरे बच्चों तक गीता ना जाए। और फिर वही माँ बाप बुढ़ापे में कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता। अरे जब रामायण नहीं पढ़ेगा, जब गीता नहीं पढ़ेगा, जब भागवत नहीं पढ़ेगा, तो आपका बच्चा आपकी बात मानेगा कहाँ से? आपके बच्चे ने तो कहीं से और से ही डिग्री हासिल की हुई है। तो ये न करना, गीता न पढ़ने देना, ये हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। जाने अनजाने ही सही, पर प्रख्यात कथावाचक श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने आज एक नया मुद्दा दे दिया है। हालांकि ये पहली नज़र में सही भी लगता है, लेकिन ये कहां तक सही है ये तो आप फैसला करेंगे, या इस यहां की अदालत फैसला करेगी, या कानून फैसला करेगी, या सरकार इस पर सोचे। लेकिन नया मुद्दा जरूर खड़ा हो गया है कि जो सबसे श्रेष्ठ है उसी की कसम खाई जाती है, और इसको कोर्ट ने माना है, कानूनन रूप में माना है। ये नया मुद्दा आज श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने दिया है कि सब ग्रंथों में, हिंदुस्तान के सब ग्रंथों में कोई श्रेष्ठ है तो वो गीता है, क्योंकि और ये कोर्ट प्रूव करती है और ये कानून प्रूव करता है। लेकिन हम आगे चलेंगे, जिसके लिए आज यहाँ पर बैठे हैं वो है कल्चर टेररिज्म। महाराज जी, कुछ समय से आपने कथाओं का, जो मैं कहूँ कि गेर बदला है या कथाओं का तरीका बदला है, श्रद्धा से कथा कहीं ना कहीं किसी और जा रही है। और जो कल्चर टेररिज्म आपने नया ये शब्द आया है सामने आपकी कथाओं में आ रहा है, ये कल्चर टेररिज्म है क्या? अगर मैं आपके कम शब्दों में कहूं तो ये वो कल्चर टेररिज्म है जो मेरे देश को बर्बाद करने की एक बहुत तगड़ी साजिश है। आप समझिए, मुगलों ने हम पे शासन किया, हम बर्बाद नहीं हुए। अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, हम बर्बाद नहीं हुए, हम तब भी खड़े रहे। लेकिन आज जब हम पूर्णतः स्वतंत्र हो गए तो आज हम बर्बादी के कगार पे खड़े। उसकी वजह, मैं हमेशा से कहता हूँ, जो कंट्री अपने कल्चर को भूलती है, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूलती है, वो कंट्री कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकती, वो देश कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसकी जीती जागती मिसाल अभी हम प्रयागराज में कथा कर रहे थे, तो वहाँ प्रयागराज में हमने कहा, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने विश्व का पहला यज्ञ किया, प्रज्ञा और यज्ञ को मिलाकर जिसको प्रयागराज कहा गया, प्रयाग कहा गया, उस प्रयागराज का नाम बदल के 1800 में, शायद 1883 में उसका नाम बदल दिया गया और उन्हें इलाहाबाद कर दिया गया। तो अभी हम प्रशासन को एक पत्र देकर आए हैं कि आप इसको प्रयाग करिए, क्योंकि ये प्रयाग था, प्रयाग अभी भी है और प्रयाग ही रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमारी संस्कृति की पहचान। आपको जानकर अचरज होगा, जो आज मुझे दर्शक सुन रहे हैं, आपको जान के ये अचरज होगा कि मेरे जिस कृष्ण की लीलाओं को आप वृंदावन से जानते हैं, उस वृंदावन को भी नाम बदलने की कोशिश 17वीं सदी में की गई थी। और मुगल शासन के द्वारा जो उस समय यहां पर आए थे, उस मंदिरों को काफी नष्ट किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, और 17वीं सदी में इस वृंदावन का नाम मोमिनाबाद रख दिया गया था, जो कि शाही पेपरों तक ही सीमित रहा, आगे नहीं बढ़ सका। मोमिनाबाद इसको कर दिया गया था। फिर कई लोग आते गए, और हमारे जो यहाँ के जाट राजा थे उस समय, ये 18वीं सदी की बात मैं कर रहा हूँ, 17वीं सदी में उन्होंने नाम बदला था, 18वीं सदी में और भी काफ़ी मुगलों ने आकर हमारे वृंदावन तोड़ फोड़ की, मथुरा को लूटा, महावन को लूटा, और सब जगहों को लूट लाट के जब क्षतिग्रस्त कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, तब हमारे यहाँ के आसपास के जो जाट राजा थे, जो क्षत्रिय राजा थे, उन लोगों ने इस ब्रज को बचाया था। तो ऐसी कठिन परिस्थितियाँ हम सब के सामने प्रस्तुत की गई कि जिससे हमारा जो संस्कृति है उसको नष्ट किया जाए। और आजकल वही चीज़ें हो रही हैं जो वो अपने बल से नहीं कर सके थे, वो अब बल से न करके माइंड से कर रहे हैं। माइंड से क्या कर रहे हैं, इनको गीता मत पढ़ने दो, इन्हें रामायण मत पढ़ने दो, इनके बच्चों को नंगा घुमाओ, इनके बच्चों को ऐसी आदतें डाल दो जैसे स्कूल में ड्रग्स लेना, स्कूल में ही नशा पहुंचा देना, स्कूल में ही मदिरा पिला देना। और एक बहुत बुरी आदत अब शुरू हो रही है हमारे बच्चों को, अडल्ट होने से पहले उन्हें यंग बनाया जा रहा है।
इंटरनेट पे ऐसी ऐसी चीज़ें उन बच्चों को परोसी जा रही हैं, ये भी एक साजिश है जिससे उम्र से पहले हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, और जवान हो रहे हैं तो उम्र से पहले जब जवान हो जाएंगे तो उन बच्चों का न तो भविष्य बचेगा, न बचपन बचेगा, न बुढ़ापा बचेगा। और ये छोटी मोटी घटना नहीं है, आज मैं बोल रहा हूँ शायद ये छोटी लग रही हो, लेकिन कल जब ये उभर के हम सबके सामने आएगी, जब हर एक माँ, मैं देखता हूँ ना, एक माँ आके कहती है कि मेरे बेटे ने मेरे मुंह पे थूक दिया, ये कब होता है? ये तब होता है जब बच्चा उस संस्कृति से, संस्कार से, सभ्यता से दूर जाता है, तब उस बच्चे के ऊपर ये कुमार्ग पर चलने के वो लक्षण है बच्चों के, कि जहाँ से उन बच्चों को गलत रास्ता दिखा दिया जाता है। तो ये बड़ा दुखद है, कल्चर टेररिज्म छोटा नहीं है। अभी जैसे अभी एक देवी जी ने लिखा कि हमारे स्कूल में प्रे नहीं होती, क्यों नहीं होती प्रे? ये इतनी प्रॉब्लम थोड़ी है, आप गवर्नमेंट स्कूल में भेज दीजिए, वहाँ बच्चों को कलावा नहीं बांधने देते, वहाँ बच्चों को तिलक, कितने शिष्य हैं जिनको हम कहते हैं कि भाई तिलक लगा के जाओ, तिलक लगा के जाओ, और वो टीचर कहते हैं ये ड्रामा, शब्दों पे ध्यान दें, आप जो सुन रहे हैं वो भी, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं वो सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, वो कहते हैं ये ड्रामा अपने घर में करो, ये ढोंग अपने घर में करो, मतलब मैं तिलक लगा रहा हूँ ये ढोंग है, ये मेरी संस्कृति नहीं है, मैं कलावा बांध रहा हूँ ये ढोंग है, ये मेरी संस्कृति नहीं है, दिस इज माई फंडामेंटल राइट, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई रिलीजन, तो आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? अगर मेरे संविधान में ये कहा गया है कि हर एक व्यक्ति धर्म का पालन हर जगह करेगा, तो फिर आप मुझे तिलक क्यों नहीं लगाने देंगे, आप मुझे कलावा क्यों नहीं बांधने देंगे, आप मुझे राम राम क्यों नहीं बोलने देंगे, आप मुझे सूर्य नमस्कार क्यों नहीं करने देंगे, आप मुझे प्रे क्यों नहीं करने देंगे, क्यों मुझे आप ही के द्वारा बनाई हुई प्रे करनी पड़ेगी? जब मैं भगवान राम को मानता हूँ, जब मैं भगवान श्री कृष्ण को मानता हूँ, ये धरती राम कृष्ण की है, ये धरती ऋषि मुनियों की है, तो फिर इस धरती पर राम कृष्ण की वंदना क्यों नहीं होगी? ये है कल्चर टेररिज्म। इस सच्चाई से, इस कल्चर से, इस सभ्यता से, इस संस्कृति से हमारे बच्चों को धीरे धीरे करके, सिर्फ इंग्लिश के नाम पे, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी लैंग्वेज, आई यूज टू ऑल्सो, मैं खुद इंग्लिश इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलने के लिए आप अपने बच्चों को अपने हाथों से बर्बाद मत करिए। आप एक इंग्लिश का अच्छा टीचर अपने घर में रख लीजिए, या कहीं भी इंग्लिश पढ़ाइए, संस्कृति जरूर पढ़ाइए, हिंदी जरूर पढ़ाइए, ये हम सब के लिए और हमारी कंट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो आने वाले समय में हम लोग सिर्फ रोएंगे और कुछ नहीं करेंगे। महर्षि, मैं कल्चर टूरिज्म पे आपसे और जानूंगा, क्योंकि आज ये मुख्य मुद्दा है, इसी पे आज ये लाइव हो रहा है दर्शकों के बीच में। मैं थोड़ा सा दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सैकड़ों की संख्या में आपके संदेश आ चुके हैं, और एक तो आप जितने भी संदेश आप यहाँ SMS कर रहे हैं, आप SMS ना कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में ही आप अपना अपना जो प्रश्न है दीजिए। और एक ज़्यादा जो लोग श्रद्धावान हैं और वो राधे राधे महाराज जी, चरण स्पर्श महाराज जी ये लिख रहे हैं, लेकिन गुरुजी की इच्छा है, महर्षि की इच्छा है कि आज आप अब इस मुद्दे पे अपनी चर्चा खुलकर रखें, अपना विचार रखें, और उन विचारों के लिए आज का जो मुद्दा है वो श्रद्धा नहीं है, आज का मुद्दा संस्कृति का है, हमारी पहचान का है। तो अपनी पहचान को डिफाइन करने के लिए आप वैसे ही हमें मैसेज करें। और अभी एक हमारे पास, हमने उन सभी प्रश्नों में से एक और चुना है, पूजा शाह, हमें पता नहीं वो किस शहर से हैं, मैंने कहा था कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें। उनका यह प्रश्न है कि गुरुजी, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है, प्राइवेट स्कूल ज्यादातर ईसाई मिशनरी द्वारा चलाए जा रहे हैं, और वहां पर यह भी कहा जाता है कि आप ईसाई बनिए, जहां सप्ताह के बाद भी प्रार्थना में भगवान शब्द नहीं आता, सप्ताह में एक बार प्रार्थना होती है लेकिन वहां भगवान शब्द को नहीं, वहां वर्जित है शब्द वो, तो धर्म का नाश हो रहा है, ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर भी हम महाराज जी से जानेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। मेरे अभी एक जो प्रश्न है वो विजय शर्मा जी से है। विजय शर्मा जी, अभी प्रयाग में, क्योंकि अब इलाहाबाद को मैं भी प्रयाग कहूंगा, और वहां आप काफी सक्रिय नजर आए, और उस सक्रियता जो पिछले जो 4 दिन थे, अंतिम कथा के 7 दिनों में 4 दिन थे, उस सक्रियता के कारण आपने 22,000 लोगों से साइन करवा लिए और इसके ऊपर आपने सहमति ले ली, ये आप करते कैसे हैं? नहीं देखिए, ये 22,000 लोग कोई मेरे नहीं थे, वो जो 22,000 वो लोग थे जो सच में दुखी हैं, और सच में इतने बड़े दुखी हैं कि वो इस इलाहाबाद, जब से महाराज जी ने इस मुद्दे को उठाया वहाँ, उस लोगों को बताया, तो वो उस पर सोचने पर विवश हो गई
कि ये सच्चाई है इस बात में, और इस बात में सच्चाई है, तो उस तरीके से उन्होंने उस बात को वहाँ सुना और उस पर अमल किया। जैसे महाराज जी ने जब कहा कि प्रयाग को इलाहाबाद जो था बीच में किया गया, पहले प्रयाग था, इसको पुनः प्रयाग किया जाए, क्योंकि ये हमारी श्रद्धा का विषय है। और आज का हमारा हिंदू समाज, सनातनी समाज, जब श्रद्धा की बात आएगी तो वहाँ एकत्रित होगा और बहुत अच्छे तरीके से इकट्ठा होगा। और ये हमारा प्रयास था, हमने लोगों को कहा, अपनी दुख दर्द अपना सुनाया, और उसके बाद में उनको उस पर अमल करने का एक अवसर दिया, तो उस पर उन्होंने अमल किया और इतना सुंदर 22,000 मुझे लगता है कि वो कम थे, और हम थोड़ा और मेहनत हम करते तो ये 1,00,000 के आसपास में, लेकिन बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये तो 4 दिन की रिपोर्ट है ना, ये 4 दिन में ऐसा हुआ नहीं। अगर उसकी एवरेज निकाले 22,000 को 4 के साथ हम उसके भाग करें तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा बनता है। नहीं, बहुत ज़्यादा बनता है, आप अपनी जगह पर एकदम सही हैं, लेकिन मन में यही पीड़ा है कि हमें सफलता जब मिल जाए तो हम उसको 22,000 लोगों ने जो साइन करके दिया है, और कई बच्चे थे जो हमसे मिले पर्सनली आके, उन्होंने कहा कि स्कूलों में जाकर और दुकानों में जा जाकर उन्होंने साइन कराए हैं, लोगों की मेहनत की है, तो हमें उस दिन बहुत खुशी होगी जब उनका वो मेहनत रंग लाएगी और पुनः सरकारी जगहों पर इलाहाबाद की जगह प्रयाग नजर आएगा। चलिए, विजय शर्मा जी ने अपनी कार्यशैली का राज तो नहीं बताया, लेकिन हम एक काम करते हैं, हम अभी जो आप लोग प्रश्न कर रहे हैं उनके वो प्रश्न महाराज जी के समझ रखते हैं। तो अभी कुछ देर पहले प्रिपांसी द्विवेदी ने एक प्रश्न किया था कि मेरे कॉलेज में प्रेयर नहीं की जाती, और अगर कहा जाता है तो वो मजाक उड़ाया जाता है, आप इस पे क्या कहेंगे? ये भी कल्चर टेररिज्म का एक हिस्सा है, या कहीं ना कहीं हम अंदर से बदल रहे हैं? नहीं नहीं, क्या बदल रहे हैं, मैं मम्मी को मम्मी कहता हूँ ना, पापा को पापा ही कहता हूँ ना, पिताजी को पिताजी कहता हूँ, तो वहाँ क्यों नहीं बदल रहा हूँ मैं? तो भगवान को प्रे करने में, भगवान को प्रार्थना करने में मेरा क्या जा रहा है? ये कल्चर टेररिज्म ही है, क्योंकि देखो बच्चों का फ्यूचर कुछ लोगों के हाथ में होता है। बच्चों का फ्यूचर होता है सबसे पहले माँ के हाथ में, फिर पिता के हाथ में, फिर होता है टीचर के हाथ में, जिसको हम लोग पहले गुरु कहा करते थे, अब वो टीचर हो गए। अब जो टीचर हैं उनके हाथ में बच्चों, अब ये भी चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी कि ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों का फ्यूचर उनके हाथ में होता है। मम्मी अपने आजकल अपने बच्चे को वो लाने वाली आती है ना, क्या बोलते हैं उनको, आया बोलते हैं, उनको दे जाती हैं। पिताजी पे बच्चों के लिए टाइम नहीं है, पिताजी कमाने में लगे रहते हैं, मम्मी खुद जॉब करती हैं, टीचर वो पैसे के लिए पढ़ाते हैं, तो वहाँ फिर बच्चों का जो फ्यूचर है वो तो बर्बाद हो गई। आप जब तक बच्चे को सही दिशा नहीं देंगे, सही ज्ञान नहीं देंगे, प्रे के द्वारा क्या होता था, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कभी भूल होना, ये कहाँ है संस्कार, कौन सी संस्कृति में है ये? दिस इज माय कल्चर, दिस इज आवर कल्चर, ये हमारी सभ्यता, ये हमारी संस्कार है जो कि हम बचपन से ही बच्चों को देते थे, तब वो बच्चे जाके श्रवण कुमार बनते थे। आजकल के बच्चे श्रवण कुमार नहीं बन रहे, आजकल के बच्चे डकैत बन रहे हैं, आजकल के बच्चे वो चेन छिनाने वाले, देखिए ना सारे यंगस्टर्स हैं, आप किसी भी मेट्रो सिटी में चले जाइए, बाइक से पर्स छीनने वाले, बाइक से चेन छिनाने वाले, या बाइक चोरी करने वाले, कार ऑलवेज वो जब मिलेंगे तो यंग होंगे, और वो दुखद है हम सब देशवासियों के लिए। और ये कल्चर टेररिज्म का ही प्रमुख हिस्सा है। जैसे भगवान का नाम नहीं लेने देते, क्यों नहीं लेने देते, क्या ये कोई पैटर्न है कि जो कॉन्वेंट स्कूल चलाएंगे उनके यहाँ पर अगर भगवान राम और कृष्ण का नाम ले लिया जाएगा या वंदना कर ली जाएगी तो ये अपराध हो जाएगा, उन्हें फांसी की सजा दे देनी चाहिए? एक बच्ची मेरे पास आई थी यहाँ पे प्रयागराज में, उस बच्ची ने मेरे को बताया, महाराज जी जब मैं तिलक लगा के जाती हूँ, जब मैं कंठी पहन के जाती हूं, तो कॉन्वेंट स्कूल के लोग मुझे बदचलन कहते हैं। एक बच्ची जो टीचर है वहां पढ़ा रही है उसको बदचलन कहते हैं। तो मैं देशवासियों के सामने एक बात रखना चाहूंगा, वैसे तो हम अपनी बहन बेटियों का इतना मान सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आपकी बहन बेटी तिलक लगाकर किसी विद्यालय में जा रही है, आपके बच्चों के फ्यूचर को संभालने जा रही है, और उस बच्ची को कॉन्वेंट स्कूल के लोग अगर उन्हें बदचलन कहें, उन्हें और गलत शब्दों से इस्तेमाल करें, तो आपका खून कैसे शांत रह सकता है, आप कैसे शांति रख सकते हो? तो क्या ऐसे ही चाहते हो कि आपका कल्चर टेररिज्म आप पर हावी रहे और आप घर बैठे आराम से बैठे रहो, कुछ मत करो? मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा, कोई सुने न सुने, जब तक जिंदा रहूंगा अपनी आवाज़ उठाता रहूंगा लोगों के सामने। जंगल में आग लगी, चिड़िया एक बूंद पानी गिराएगी तो उससे होगा क्या? आखिर इससे जो आपने उठाया है, आपको लगता है इससे बदलाव आएगा?
देखिए, बूंद पानी गिराने की कोशिश तो कोई करे, एक बूंद तो गिरे, क्या पता उस चिड़िया की एक बूंद गिराने की पुकार और चाहत और उसके बल की इच्छा को देखकर परमात्मा खुश हो जाए और बारिश कर दे। शायद ही संसार के लोग सोते रहें, पर परमात्मा तो कभी नहीं सोता, वो तो 24 घंटे जगता है। अगर वो चिड़िया बूंद डालने की कोशिश भी ना करे तो परमात्मा भी क्या सोचेगा कि इस चिड़िया को तो दम था एक बूंद पानी गिराने का, पर इसने गिराई क्यों नहीं। तो वो एक, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कल्चर टेररिज्म का, कितनी गजब की बात मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। क्या हमारे घर पहले टूटते थे कभी? आपने सुना है कभी हमारे घरों में तलाक होते थे? हमारे कल्चर में, हमारी स्थिति में, हमारी सभ्यता में, हमारे परिवारों में क्या कभी परिवार टूटते थे? आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक दिन एक व्यक्ति अपनी पत्नी के पास में गया, उसका हाथ पकड़ के कहने लगा, देखो मुझे तुम्हें यार तुम्हारे साथ रहते रहते 10 साल हो गई, लेकिन मेरे ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की है, उस वो मेरी बहुत नज़दीक हो गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, अब चाहता हूँ कि तुम मेरे से तलाक ले लो। वो भोजन परोस रही थी, पत्नी शांत हो गई, उसने कहा ठीक है, आप जो चाहते हैं मैं करूँगी। उनका छोटा सा बच्चा था 6-7 साल का, उन्होंने कहा लेकिन 1 महीने का टाइम आप मुझे दे दीजिए और एक शर्त रहेगी, 1 महीने के टाइम में आप वही करेंगे जो मैं चाहूँगी। कि क्या करना है कि जैसे मैं पहले आई थी तो आप मुझे गोद में उठाकर घर में घुसे थे, वैसे ही मुझे हर दिन गोद में 1 महीने तक उठाएंगे और हर दिन मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे, जैसे जैसे आपने पहले जब हम आए थे जो व्यवहार किया था वही व्यवहार आप मेरे साथ करेंगे। पति को तो छुटकारा चाहिए था, पति ने कहा ठीक है। अब पहले दिन जब घुसा, पत्नी को हाथ में लेके जब प्रवेश किया उसने घर में, तो उसका बेटा सामने खड़ा था 5-6 साल का, वो ताली बजाकर हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, अपने माँ बाप को खुश देखकर वो बहुत आनंदित होने लगा। पर उसे अजीब लगा क्योंकि उसे पता था 1 महीने बाद मुझे छोड़ना है अपनी पत्नी को। दूसरे दिन फिर कम बुरा लगा, तीसरे दिन फिर कम बुरा लगा, चौथे दिन बुरा ही नहीं लगा, एवरीडे का रूटीन हो गया। 29वां दिन आया तो उसने एक वसीयत लिखी और जो इतना भी उसके पास में था संपत्ति सबका आधा आधा लिखा और आधा अपनी पत्नी के नाम कर दिया। और उसने जब पत्नी को दिखाया तो पत्नी ने कहा मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ कल का दिन और मेरा साथ दे दीजिए और कल मैं आपको सिग्नेचर करूंगी, लेकिन कल भी यही सब करना है। वो परेशान भी था क्योंकि फिर से भावना उसमें अपनी पत्नी के प्रति जग रही थी। तीसवें दिन जब वो आया सिग्नेचर कराने के लिए तो वो हतप्रभ रह गया कि उसकी पत्नी समाप्त हो चुकी थी, उसकी पत्नी समाप्त हो चुकी थी। और वहां पर एक पत्र लिखा था उसने मरने से पहले, और उसने कहा था कि मुझे पहले से ही कैंसर था और मैं आपको नहीं बताना चाहती थी, लेकिन ये 1 महीने मैंने जो कराया इससे आपकी छवि मेरे बच्चों की नजरों में न गिर जाए, ये सब मैंने इसलिए कराया, अब मैं जा रही हूं, आप खुश रहना, आप जहां भी रहो आनंद में रहना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कहानी बोलते हुए। ये है कल्चर टेररिज्म। हमारे बच्चों को इतनी स्वतंत्रता की गारंटी ये लोग भर देते हैं कि हमारे घर बड़े आसानी से टूट रहे हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इनके यहां घर टूटते थे वैसे इन्होंने हमारे बच्चों को बना दिया। जहां हमारे हिस्ट्री में इतिहास पढ़ाया जाता था कि हमारे पूरी दुनिया में इतिहास पढ़ा जाता था कि भारत में कभी घर नहीं टूटते, लेकिन वहां इन्होंने हमारे बच्चों को घर तोड़ना सिखा दिया, माँ बाप को छोड़ना सिखा दिया, माँ बाप को गालियां देना सिखा दिया, माँ बाप की इंसल्ट करना सिखा दिया, इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। यह है कल्चर टेररिज्म। और यह छोटी बात नहीं है, यह तो मैंने एक कहानी सुनाई है, आप भारत में समय निकल जाइए ऐसी तमाम कहानियां आपको मिल जाएंगी। ये नोटबंदी हुई है, ठीक है नोटबंदी हुई है, बढ़िया बात है, लेकिन नोटबंदी से पहले ये कॉन्वेंट स्कूल बंदी होना चाहिए जहां से मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, भारत का भविष्य बर्बाद हो रहा है। विदेशों के बाहर, विदेशों से जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ कहीं ना कहीं वर्ण संकरता भी आ रही है। ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, आप पत्रकार बंधु हैं, आप मीडिया से हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि मेरे देश का भविष्य हाथों से फिसल रहा है। मेरे देश का भविष्य, मेरे देश का बच्चा अगर अभी समय रहते नहीं संभला तो इस देश की सिर्फ कहानियाँ रह जाएंगी, जैसे हम लोग गुलाम थे वैसे ही गुलाम हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता, मेरा कृष्ण नहीं चाहता और मेरे कृष्ण के चाहने वाले भी नहीं चाहते कि मेरा देश फिर से गुलाम हो और हम लोग गुलामी में मर जाएं, ये हम नहीं चाहते। और आप सबसे मेरा आग्रह है
शायद वो पहली चिड़िया मैं हूँ जो बूंद डाल रही है पानी की, लेकिन आप सब भी चिड़िया बन बन के अगर आप कोशिश करें। अभी किसी ने कहा था कि हमारे यहाँ सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हैं, तो दीजिए सरकार को एडवाइस कि हमें तुम्हारे सरकारी स्कूल नहीं चाहिए, हमें सरकारी स्कूल मत दीजिए, हमें गुरुकुलम दीजिए जहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुरुकुलम में बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाए, नहीं, मेरे बच्चे इस देश और इस विश्व से कदम मिलाकर चलें, उसके लिए ऐसे गुरुकुलम बनने चाहिए जहां पर इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी तीनों भाषा और प्रदेश की भाषा आराम से उनको समझाई जाए, पढ़ाई जाए, जहां उन्हें गीता पढ़ाई जाए, जहां उन्हें रामायण पढ़ाई जाए, जहां उन्हें माँ बाप के प्रति क्या, क्या उनकी जिम्मेदारी क्या है माँ बाप की। आज बच्चों को पढ़ाने में माँ बाप कई कई लाख रुपए खर्च कर देते हैं, और जब एक लड़की से उसका अटैचमेंट हो जाता है और फिर वो लड़की से शादी करना चाहता है और माँ बाप मना करते हैं, तो वो पता क्या कहते हैं, आपने मेरे लिए किया ही क्या है, तुझे तेरी माँ ने 9 महीने पेट में रखा, पैदल चलना सिखाया, गोद में रखा, गीले में सोई, तुझे सूखे में सुलाया, तू खाना नहीं जानता तो तुझे खाना खिलाना सिखाया, तुझे जीना सिखाया, तुझे रिश्ते समझाए, और तुम कहते हो कि किया ही क्या है सिर्फ एक लड़की के पीछे। माँ बाप की क्या इज्जत होनी चाहिए ये हर एक गुरुकुलम में पढ़ाया जाए, राम ने क्या किया है हर एक गुरुकुलम में, और फिर इंग्लिश भी पढ़ाई जाए जिससे वो बच्चे पीछे ना रहें। तो ये शुरुआत हम सबको करनी पड़ेगी, और अगर नहीं करेंगे तो फिर पछताए हो तो का जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर रोएंगे हम लोग सब, तब कुछ हाथ में नहीं रहेगा। और ये आज हमारे पास समय है, भारत सरकार से भी मेरी अपील है और प्रदेशों की सरकार से भी मेरी अपील है, और जन जन मानस जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो मुझे समय सुन रहे हैं, आपसे आपकी पता है कमी क्या है, आप लोग सुनते हो अच्छे शब्दों पे ताली बजाते हो और ताली बजा के चुप निकल जाते हो। आप क्या चाहते हो, सुभाष चंद्र बोस पड़ोसी के घर में पैदा हो, भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो, आप क्या चाहते हो, अच्छे कर्म करने वाले पड़ोसी के घर में पैदा हो, और तुम लोग घर बैठ कर सिर्फ कमेंट करते रहो, घर बैठ कर सिर्फ और सिर्फ सुनो और ताली बजाते रहो। एक शुरुआत तो करो, जिनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए, उन माँ बाप को, कि आप अपने बच्चों के लिए एक नेक काम करिए, उनसे भजन करवाना शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा उन्हें गीता सुनाइए, थोड़ा थोड़ा रामायण पढ़ाइए, और आप भी अच्छे माँ बाप बनिए। ये मैं कथा नहीं कर रहा हूँ, ये आज का जो समय है ना ये सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए है, आपके घरों तक मेरी अच्छी बात या अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे विचार पहुँच सके, आपके बच्चों का फ्यूचर संभल सके, इसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। हम ग्रंथों से फिल्मों की ओर बढ़े हैं, और जो यहाँ हमारे पर प्रश्न आ रहे हैं वो भी फिल्मों से संबंधित ही आ रहे हैं, उसका असर भी इस कार्यक्रम पर है। कविता सिंह जी हैं, उन्होंने कहा कि महाराज श्री, क्या स्कूल में धर्म के नाम पे से या इसी प्रकार से जो धर्म है क्या वो हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट हो सकता है? एक संभावना जताई है, पूछा गया है, जैसे मदरसों के अंदर सिर्फ और सिर्फ धर्म के, एक ही धर्म के पढ़ाया जाता है और जो धर्म है वो कंपलसरी है शिक्षा के साथ साथ, गुरुकुल में ऐसा क्यों नहीं है? नहीं, अभी तो गुरुकुल बने ही नहीं है ना, सबसे बड़ी बात तो अभी गुरुकुल बने नहीं है और उस लेवल के नहीं बने हैं जहाँ होने चाहिए, जितने होने चाहिए उतने नहीं बने, क्योंकि सरकारी स्कूल मेरी नज़र में नथिंग। जो मेट्रो सिटियों में है उनका कुछ होगा, आप गाँव में जाके देख लीजिए, वहाँ टीचर नहीं है, टीचर हैं तो उनको खुद पता नहीं है, अगर पता भी है तो वहाँ बच्चे नहीं है। कई कंडीशन है जहां मुझे लगता है कि सरकार का वो सरकारी स्कूल चलाना टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। उनकी बजाय सरकार को चाहिए कि वहां उन शहरों के अच्छे अच्छे लोगों को जो धनवान है उनको इकट्ठा करे और उनसे कहे कि आप गुरुकुलम चलाइए, धर्म पढ़ाइए, अवश्य पढ़ाइए, हर अवश्य पढ़ाइए। आप एक बात बताइए, दुबई में मर्डर क्यों नहीं होते, दुबई में रेप क्यों नहीं होते, दुबई में चोरी क्यों नहीं होती, दुबई में ये जितने भी भारत में सारे काम होते हैं या अन्य कंट्रियों में होते दुबई में क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां कुरान पढ़ाया जाता है उन बच्चों को, उनको बचपन से धर्मात्मा बनाया जाता है, रिलीजियस बनाया जाता है। तो जब हर जगह रिलीजियस बनाया जा सकता है तो आप जाइए ना, बाइबल पढ़ाया जाता है हर जगह, फिर गीता क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती हर जगह? क्योंकि हमारा मन ही नहीं है। जब तक वोट बैंक की राजनीति इस देश में होती रहेगी, इन 68 सालों में एक ही सबसे बड़ा अपराध हुआ कि सिर्फ वोट के लिए राज किया हमने, कि मेरी वोट बैंक न खिसक जाए। फलाने हैं उनका वोट बैंक ये है, ढिमके हैं उनका वोट बैंक ये है। अरे भाई, तुम वोटों के लिए राज्य कर रहे हो कि देश के लिए राज्य कर रहे हो? देश के लिए कौन राज्य करेगा? कोई प्रदेश की राजनीति करता है, कोई उस जाति की राजनीति करता है, कोई फलाने की राजनीति, कोई देश की राजनीति करेगा?
कोई एक व्यक्ति तो आए जो देश की राजनीति करे, कोई एक तो कहे कि मुझे देश की परवाह है, कोई एक तो कहे कि मुझे भारत के फ्यूचर की परवाह है, कोई एक तो कहे कि हाँ हम बढ़ाएंगे बच्चों को, हम लेके जाएंगे उनको सही दिशा में। और जब तक ये कंडीशन नहीं होगी तब तक मैं क्या कहूँ। और जब तक ये राजनीतिक लोग आगे नहीं बढ़ रहे, कम से कम माँ बाप तो आगे बढ़े। आप तो थोड़ा बहुत अपने बच्चों को सिखाइए, आप अपने बच्चों से भजन करवाइए, मंदिर में लेके जाइए, कथा सुनवाइए, कुछ भी अच्छा करिए, लेकिन धर्म से अपने बच्चों को जोड़िए। जब तक नहीं जोड़ोगे तब तक आपके लिए लाभ नहीं होगा, ये मेरी बात आप मान लीजिए। अगर चाहते हो तुम्हारा बुढ़ापा अच्छा गुजरे, उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे धर्म को जाने जाने जाने। हिंदुस्तान की सरकार मदरसों को पैसा देती है, गुरुकुलों को नहीं। क्या आपको इस पे कुछ कहना है, कुछ एतराज है आपको? हम लोग इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे मुझे तो अपनों ने लूटा घेरों में कहां दम था। हमें अपने ही लूट रहे हैं। और सबसे हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको दे रहे हो, जिसको दे रहे हो देते रहो, लेकिन हमारे देश के बच्चों को उनका फ्यूचर। मेरी एक ही थॉट है इस समय कल्चर टेररिज्म पे, आप अपने बचपन को संभाल लीजिए, आपकी जवानी संभल जाएगी। और जिनका बचपन नहीं संभला उनकी जवानी नहीं संभलेगी, जिनकी जवानी नहीं संभली उनकी जिंदगानी नहीं संभलेगी। और अगर हमारे देश का नौजवान बिगड़ गया, जैसे आजकल बिगड़ रहा है, मदिरापान कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है और सरेआम भरे बाजार में बच्चियों को छेड़ रहा है, और छेड़ ही नहीं रहा, उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। एक इस पर भी मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, सुन लीजिए जरा। बहुत मैं आप सबके लिए बहुत कुछ सोच के आया हूं, आज सुनाता हूं आपको यंगस्टर्स की कहानी, सुनिए। एक लड़की थी जो अपने इकलौती माँ बाप की इकलौती बेटी थी, वो अपने माँ बाप की, और वो बड़ा नाज से बड़े प्यार से उन्होंने अपनी बेटी को पाला था। और बेटी को पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया। वो फिर एक कॉलेज में चली गई, कॉलेज में जब गई तो वहां पर पढ़ने लगी, अच्छे मार्क्स आने लगे, उसको वहाँ पर एक लड़का मिल गया। और जब वो लड़का वहाँ पर मिल गया तो पहले तो उस लड़के ने उसको रोकना चाहा, तो पहले तो वो बुरा लगता था उस लड़की को, लेकिन एक धीरे धीरे करके वो लड़का उस लड़की को अच्छा लगने लगा, बातें होने लगी, बाइक पे घुमाने लगा, एक दिन फूल पकड़ा दिया, ये भी सब धीरे धीरे ठीक होने लगा। एक दिन उस लड़के ने कहा कि तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी, वो चल पड़ा, वो लड़की चली गई उनके उसके साथ। लड़की गई और उसके साथ वो एक नदी के तट पर बैठ गए। नदी के तट पर बैठे उसने दो चार प्रेम की बातें की, प्रेम की बातें करके फिर जो आजकल के बच्चे करते हैं वो हुआ। इतना ही नहीं, जब उस लड़की ने अपने तन को उसको सौंपा तो वो समझ रही थी मैं अपने प्रेमी को ये तन सौंप रही हूं। तो जैसे ही वो प्रेमी वहां से हटा तो उसके चार पांच दोस्त और आ गए, तो उस दोस्तों ने भी गंदे गंदे कमेंट करके उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। और वो चीखती चिल्लाती रही कि तुम मुझे इनसे बचाओ, तो वो हंसता रहा, वो चीखता रहा, वो हंसता रहा, उसका बुरा उसके साथ व्यवहार करता रहा। और वो लड़की बेहोश हो गई, और जब होश में आई एक डेढ़ घंटे बाद, तब तक वो लड़के वहाँ से जा चुके थे। उसकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी, वो बर्बाद हो चुकी थी, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं थी। और जब भी उसकी थोड़ी बहुत आँख खुलती थी तो वो अपने माँ बाप के बारे में सोचती कि अब मैं अपने माँ बाप को जाके क्या मुँह दिखाऊंगी। इतना उसने सोचा, और वो रोती रोती सोच रही है मैं क्या करूं, तन पे कपड़े फटे हुए, मैं इस हाल में जाऊंगी तो मेरे माँ बाप जी नहीं सकेंगे, जीते जी मर जाएंगे। और धीरे धीरे जाकर वो नदी की तरफ बढ़ गई और नदी में जाकर कूद गई, छलांग लगा दी। वो चाहती तो अपने आप को बचा सकती थी, आवाज लगा सकती थी, लेकिन उन अपने प्रेमी की बेवफाई की वजह से उसने अपने आप को उस नदी के हवाले कर दिया, और हमेशा हमेशा के लिए उस नदी में वो जाके समा गई। मेरे मित्रों, मेरे श्रोतागणों, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, आज हर एक इस देश में न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत बर्बाद हो रही है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे जिम्मेदार हैं वो लोग जो हमारे बच्चों को मॉडर्न 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 का गीत पढ़ा रहे हैं कि मॉडर्न बनो, ओपन बनो, मॉडर्न बनो, ओपन बनो। इतने भी ओपन मत हो जहां से मेरा भविष्य बर्बाद हो जाए और मुझे पता भी ना चले। तो ये सब चीजें हैं जो कल्चर टेररिज्म के नाम पे हमारे बच्चों के आगे परोसी जा रही है। जैसे आप धर्म के माध्यम से पूरे देश के हीरो हैं, ऐसे फिल्मों में भी कुछ हीरो हैं। मैं परिभाषा रख रहा हूं, परिभाषा बेशक अलग अलग है, लेकिन कुछ ऐसे हीरो हैं, ऐसे कि हीरो ने फिल्म बनाई पीके, शायद उन्होंने कुछ पीके बनाई होगी,
और उसमें हिंदू धर्म को का काफी मजाक उड़ाया गया है, उस पर आप कुछ कहेंगे? मैं इससे पहले भी उस पर बोल चुका हूं, ये भी एक टेररिज्म है। आप देखिए बॉलीवुड में चाहे कोई सीरियल बने, चाहे कोई स्टोरी हो, सीरियल बने या मूवी बने या कुछ भी बने, आप एक बात देखेंगे कि वहां पर जब भी कोई साधु संत का या ब्राह्मण का कोई रोल आता है ना, तो हमेशा वो नेगेटिव आता है। हमेशा वो इतना नेगेटिव आता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और जब भी किसी और दूसरे धर्म के धर्मगुरुओं की बात आती है सामने, तो उनको ऐसे बताएंगे जैसे उनसे बड़ा साधु कोई नहीं, उनसे बड़ा शरीफ कोई नहीं, उनके यहाँ तो सिवाय धर्म के ये समझो कि उनके यहाँ तो भगवान ही बास करता है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ गलत नहीं होंगे, अवश्य होंगे, लेकिन उनके यहाँ भी तो गलत होंगे। आपको किसने अधिकार दिया कि साधु को सिर्फ आप मर्डरिस्ट दिखाइए, रेपिस्ट दिखाइए, गुंडा दिखाइए, ब्राह्मण को सिर्फ लालची दिखाइए? ये सीरियलों में होता है। और उनका मुझे दुर्भाग्य पता है क्या लगता है, ये लोग हमारे भगवान के साथ भी मजाक करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, और हम ही लोग बड़े पैसे लेकर मजे लेकर उन मूवियों को देख के आ जाते हैं और घर में आके कमेंट्री करते, नहीं नहीं फिल्म में कुछ सही था, अच्छा था, पर उनको ये नहीं दिखाना चाहिए था, इस समय नहीं होना चाहिए था। ये जो चीजें हैं बॉलीवुड ने, बहुत बुरा अभिशाप है हमारे देश के लिए। वो मैं सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ अच्छे कलाकार भी हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मिशन बना रखा है हिंदू धर्म को नीचा दिखाना, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे वो कहीं राजनीति में हो, चाहे वो कहीं, कुछ लोगों ने निशाना जरूर बना रखा है। और वो लोग कौन हैं, उनकी पहचान जरूर होनी चाहिए, और जब तक पहचान नहीं होगी, हमारे धर्म को बचाना, हमारे देश के बच्चों को बचाना बहुत डिफिकल्ट है। हमें मुगलों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अंग्रेजों से प्रॉब्लम नहीं है, जो हमारे यहाँ अंदर बैठे जयचंद, जो हमारी कंट्री में बैठे हैं जयचंद, हमें उनसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनका नुकसान हमें बहुत भोगना पड़ रहा है। ये जो कमेंट बॉक्स में प्रश्न आया था, ये दीपक पंडित चतुर्वेदी इंदौर से था। आइए अब पूजा शाह का लेते हैं, उनका नाम नहीं है, पूजा शाह का प्रश्न लेते हैं। और पूजा शाह ने कहा था कि गुरुजी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है, प्राइवेट ज़्यादातर स्कूल ईसाई मिशनरी द्वारा चलाए जाते हैं, जहाँ सप्ताह में एक बार ही प्रार्थना में भगवान शब्द नहीं आता, तो धर्म का नाश हो रहा है, हम क्या करें? नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, 1834 में 732,000 गांव थे, और इतने ही में वहां हरेक गांव में गुरुकुल था, हरेक गांव में गुरुकुल था, और हरेक गांव में जितने गुरुकुल थे वहां पर सब, और 99% उस समय सब लोग साक्षर थे, सब पढ़े लिखे लोग थे, और उस समय एक दूसरे पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोग तब गुलाम थे, तब भी हम लोग अपने लिए लड़ सकते थे, तब हम अपनों को बचाने में सक्षम थे, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को बचाने में सक्षम थे। आज हमको आज़ाद हुए 68 और 69 साल होने को हैं, लेकिन आज हमारे आज की स्थिति यह है कि गांव-गांव तक साक्षरता पहुंची नहीं है। आज भी कितने परसेंटेज हम लोग साक्षर हैं ये कोई बता नहीं सकता है। मोस्टली लोग जो गांव में बस रहे हैं वो अपनी बहन बेटियों को बाहर पढ़ने नहीं भेजते हैं, उसके पीछे वजह है आज का टाइम, आज का युग और आज की स्थिति परिस्थिति। आप देखिए अपनी बहन बेटी को हम अकेला नहीं भेज सकते कहीं भी, आज घर में ही बेटियां सुरक्षित नहीं है, हम बाहर कैसे भेज देंगे? तो ये वजह क्या है? हमको वहां पर ऐसे गुरुकुलम का गुरुकुल खोलने चाहिए, जहां पे हमारे बच्चों को कुछ अच्छा मिल सके, कुछ पढ़ लिख के वो आगे बढ़ सके, ऐसी व्यवस्थाएं हमें बैठालनी चाहिए। हाँ, ये कह रही है कि गुरुकुल अच्छे नहीं है, उन्हीं की तो बातें हम कर रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं उनको ही अच्छे गुरुकुल में तब्दील कर दिया जाए, उनकी व्यवस्था या तो संत महात्माओं के हाथों में दी जाए, या उनकी व्यवस्था वहाँ के अच्छे कारोबारियों के हाथ में दी जाए, नेम कानून हमारे सरकार बना के भेजे कि ये चीज़ें वहाँ होनी चाहिए। और हमारे देश में आज जो एजुकेशन है वो एक व्यापार की तरह चलाई जा रही है, विद्यादान की तरह नहीं चलाई जा रही है, तो उस विद्यादान को कैसे आगे बढ़ाया जाए ये हम सबको सोचना चाहिए। और हरेक गांव, हरेक घर, हरेक शहर में, घर में तो नहीं पर शहर में, हमें गुरुकुल खोलने ही पड़ेंगे, और अच्छी क्वालिटी के गुरुकुल खोलने पड़ेंगे, जहां पर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और प्रांतीय भाषा पढ़ाई जाए, सभ्यता पढ़ाई जाए, और उन बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनाया जाए। फेसबुक पर आपकी एक पोस्ट आई थी जिस पर आपने लिखा था कि मैं अकेला ही निकल पड़ा हूं जंग लड़ने कल्चर टेररिज्म से,
आपने साथ आना है। तो एक युवा का यहाँ पे एक प्रश्न तो नहीं कहूँगा, उनका एक समर्थन है, अमित मिश्रा लखनऊ से। गुरुजी क्या हमें खुल के विरोध करना चाहिए? क्या आप जो युवा है, अगर आपके आप कुछ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो समाज में एक अंतर जाता है कि आपका एक विशाल व्यक्तित्व है, तो इससे क्या एक विरोध की तरफ हम बढ़ रहे हैं या कैसे ये हो पाएगा? हमारे यहाँ पर दो प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया तो यही है जो अभी हम कर रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया यह है शांति वार्ता। शांति वार्ता क्या है? भगवान श्री कृष्ण भी महाभारत का युद्ध लड़ने से पहले दुर्योधन को समझाने गए थे और दुर्योधन को समझाया था कि भाई तू लड़े मत, चाहे पांच गांव दे दे, पांच घर दे दे। दुर्योधन नहीं माना, तब महाभारत का युद्ध हुआ। तब महाभारत का युद्ध जब हुआ तो फिर क्या हुआ वो आप सब जान, वो दूसरा रास्ता था उसके बाद। अभी पहला रास्ता है, हम शांति से बात करेंगे, हम सरकार के आगे अपनी बात रखेंगे, प्रदेश की सरकार के आगे बात रखेंगे, देश की सरकार के आगे बात रखेंगे। जब उसका फल नहीं निकलेगा फिर एक बार और जाएंगे, कॉन्वेंट स्कूलों में जाएंगे, उनको भी लेटर इशू करेंगे कि आप हमारे बच्चों को तिलक लगाने दें, और अगर वो नहीं तब भी नहीं माने तो उसके बाद जो होगा फिर वही होगा जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में किया था। फिर उनको दूसरी बात समझाएंगे तो सही, शांत तो नहीं बैठेंगे। तो आप नौजवानों से मेरा निवेदन है, पहले अभी तो पहले ही रास्ते पे हम लोग चलें, जो कानूनी कार्रवाई है वो हम लोग धीरे धीरे करें और हम आगे बढ़ें। आपने दुर्योधन का नाम लिया, ये ठीक है कि सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई है वो अच्छी नहीं है, उसकी दुर्दशा है, और लेकिन आप दुर्योधन के लिए मानते हैं सरकार को? लेकिन यहाँ तो निज़ाम बदला है। नहीं नहीं, सरकार दुर्योधन नहीं है, मेरा इशारा है जो संस्कृति से दूर हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सभ्यता से दूर हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस देश की मूलभूत जो सोच है उससे दूर हमारे बच्चों को जो लेके जा रहे हैं, मेरी नज़र में वो दुर्योधन है। और क्या कहूँ मैं, दुर्योधन है तो धृतराष्ट्र भी होंगे, गांधारी भी होंगी, तो इनका विशेषण तो मैं अभी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ये कहूँगा कि समय है, हम सबको आगे लड़ना पड़ेगा। और अब भगवान से प्रार्थना ये कि लड़े नहीं, पहले से ही हमारी सरकारें इस बात को मान दें और गवर्नमेंट स्कूल के लोग भी ये बात मान लें कि हमारे भारत में अगर वो पढ़ा रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, एक एक कॉन्वेंट स्कूल कितना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ये तो हम सब जानते हैं, तो जब वो कमा रहे हैं तो कम से कम देश की मूलभूत जो विचारधारा है उसे वो समाप्त न करें, हमारे परिवारों को तोड़ने की कोशिश वो न करें, हमारे माँ बाप को बुढ़ापे में दुखी करने की पाठ उन बच्चों को न पढ़ाएं, ये तो उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो अपने कर्म के साथ, अपने खुद के साथ और इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को देशद्रोह का अपराधी मानना चाहिए जो मेरे देश के बच्चों जो ना, आपको सुनाता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को जो केजी वेजी में पढ़ते हैं, जिन्हें अभी अपना खुद का सोच नहीं मालूम, उनके साथ ये कैसा माइंडली गेम खेलते हैं, मेंटली गेम खेलते हैं, यू कांट बिलीव दिस। मैं एक जगह गया तो वहाँ के बच्चों के माँ बाप ने हमें बताया कि महाराज जी वहाँ हम जाते हैं तो हमारे बच्चों के साथ गेम खेलते हैं। क्या बोले, हमने सुना है तुम्हारे राम बड़े बलवान हैं, तुम्हारे हनुमान बड़े बलवान हैं, तुम्हारे कृष्ण बड़े बलवान हैं, देखो वो बाइक है ना वो खराब हुई पड़ी है, चलो हमें दिखाओ ये बाइक तुम्हारे भगवान के नाम से शुरू हो जाएगी। तो चाबी को वहाँ रखते हैं जहाँ से वो स्टार्ट नहीं होती, चाबी को कहाँ रखते हैं जहाँ से वो स्टार्ट नहीं होती, और फिर किक मारेंगे, देखो तुम्हारे राम जी का नाम लिया स्टार्ट नहीं हुई, देखो तुम्हारे हनुमान जी का नाम लिया स्टार्ट नहीं हुई, अब तुम्हारे इनका कृष्ण जी का भी नाम, सबका नाम ले लिया स्टार्ट नहीं होगी, कहाँ से तेरे वो तो बंद कर रखी है। अब जब चलो बोले तुम्हारे भगवान नहीं, अब हम अपने भगवान का नाम लेके इसको देखते शायद हो जाए, तब उस चाबी को वहां कर देते। अब वो बेचारा केजी में पढ़ने वाला बच्चा क्या जाने कि चाबी क्या किया तुमने, अब वो चाबी वहां कर दी जहां थी जहां से स्टार्ट होगी, और फिर अपने किसी का नाम ले लिया, मैं उनके धर्म का नाम नहीं लूंगा अभी, बस इतना ही कहूंगा, उनका नाम लिया और किक मारी और वो स्टार्ट हो गया। अब बच्चों के माइंड में कितना गंदा वो स्टोरी चला गया कि हमारे भगवान नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, जो कुछ है वो है। अगर तुमको अपना धर्म स्थापित करना है तो मैं आज फेसबुक पे आप सबके सामने उनके धर्म के अनुयायियों को मैं शास्त्र संवाद करने के लिए बुलाता हूं, आइए आप, मैं अगर हिम्मत है तो अपने शास्त्र ज्ञान लेके मेरे सामने आइए, मैं आपको बताता हूं
कि आपका धर्म क्या है और मेरा धर्म क्या है। आप मुझे मिटा नहीं सकते, मिटा नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी जड़ें बहुत गहरी हैं। जब मुझे बंदी बना, जब मुझे तुमने गुलाम बना लिया, तब तुम हमारी संस्कृति को नहीं मिटा सके। तो अब क्या, बच्चों के गेम के साथ खेलना, माइंड के साथ बहुत खेलना आसान है, लेकिन आपको अगर शास्त्र करना है, शास्त्रार्थ करना है, आइए ना हमारे सामने। मैं वृंदावन में आपको चुनौती देता हूं, आप आइए यहां पर मेरे साथ बैठिए, हमारे विद्वानों के साथ में बैठिए, आपके रहने की जगह मैं फ्री दूंगा, आपके खाने के लिए मैं जगह फ्री दूंगा, आपकी हर चीज के लिए मैं फ्री दूंगा, और आप साबित करिए कि आपका धर्म हमारे धर्म को नीचा कैसे दिखा सकता है। आप बताइए, मैं बुला रहा हूं आपको। चलिए, कोई भी विचार होता है वो अपना असर तो छोड़ता ही है। आपकी वो पोस्ट में फिर याद दिलाना चाहूँगा कि मैं निकला हूँ अकेला जंग लड़ने के लिए, उसका कहीं असर जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है। ये मेरे सामने प्रश्न तो नहीं है, कुछ समर्थन है आपके लिए। अमित कुमार, बोकारो, झारखंड। गुरुदेव, हर स्कूल में भागवत गीता सब्जेक्ट में होना चाहिए, नहीं तो वो स्कूल बंद कर देना चाहिए। विजय जोशी, मध्य प्रदेश से। देवास मध्य प्रदेश से विजय जोशी। गुरुजी, हमारा धर्म तो वेदांत है, हमारा धर्म तो वे दोस्त है जिसको समझने के लिए संस्कृत जरूरी है। क्या इंग्लिश बोलने वाले बच्चे बराबर संस्कृत बोल पाएंगे? ये उनका प्रश्न भी है और कहीं ना कहीं पीड़ा भी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, चाबी सही जगह लगानी होगी और चाबी लगानी सीखनी भी होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि यहां पे वृंदावन में एक बहुत जोड़ी की बात होती है, कृष्ण और बलराम की। अगर उससे पहले इतिहास को टटोलें तो राम और लक्ष्मण की। यहां भी हमारे साथ एक और विभूति है, विजय शर्मा जी, जो सचिव हैं, जिन्होंने अपने बचपन से अपना भविष्य ना सोचकर अपना पूरा पूरा समाज सेवा के लिए लगा दिया। मेरा विजय शर्मा जी से एक प्रश्न है। आप अभी युवा हैं और आपके घर में एक युग पुरुष है और उनके सपने पूरे होते हुए, उन्हें पूरे विश्व में रोशनी फैलाते हुए, प्रकाशित होते हुए अपने अपनी आंखों के सामने देखा है। धर्म की गंगा आपके कहीं ना कहीं घर से भी बहती है, एक धारा वहां से भी बहती है, तब आप क्या सोचते हैं? देखिए, सोचना क्या है इसमें, जब महाराज जी इस चीज़ को लाखों करोड़ों लोगों में अपनी बात फैलाते हैं और दिल से खुशी होती है जब लाखों भक्त कथा पंडाल में झूमते हैं और लाखों भक्त जब उस विषय को, महाराज जी के विचारों को सहमत होकर उस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं और नृत्य करते हैं और उस विचारों के साथ सहमत होकर अपने जीवन व्यतीत करते हैं। और हम लोग समाज सेवा में जो कार्य कर रहे हैं, और समाज सेवा ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारा एक जिम्मेवारी है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। और महाराज जी ने जिस तरीके से हमको, हम जिस तरीके से छोटे हैं और हमें सतमार्ग पर कैसे चलना चाहिए, कैसे हमको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कैसे हमें लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, वो सब महाराज श्री से हमने बहुत कुछ सीखने को मिला है और आगे भी ये मिलता रहेगा। और हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उस परिवार में जन्मे हैं जिसमें महाराज श्री ने जन्म लिया है, और हमारे माता पिता का हम सब पर आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। कल्चर टूरिज्म का जो ये लाइव चल रहा है, ये अभी बकाया है, महाराज जी आपके साथ मौजूद हैं, जितने आपने कमेंट किए सबका यहाँ उत्तर मिलेगा, मैं सबके यहाँ पे नाम भी बुलाऊंगा। लेकिन एक छोटी सी बात और, जहाँ पर ये बैठे हैं हम, ये सारा का सारा जो ये चल रहा है, ये जो नया विचार उभरा है, इसकी जो व्यवस्था है वो शांति सेवा मिशन ट्रस्ट देख रहा है और उनके सचिव विजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आप इस मुद्दे को लेकर आगे कैसे जाएंगे? और अभी जो विश्व शांति सेवा मिशन है, जैसे कि उनके बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना, गरीब कन्याओं को साइकिल देना, उनकी फीस भरना, तो ये पूरी व्यवस्था करने के लिए, संभालने के लिए पूरे देश में कितने देशों तक आपकी ये जो ये ट्रस्ट है, कितने देशों में है, कितने आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या क्या है, वो कैसे काम करते हैं? देखिए, कार्य सबसे बड़ी बात है कि देखने वाला ऊपर वाला है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण और प्रियाकांत भगवान इस व्यवस्था को देख रहे हैं, क्योंकि मैंने सबसे बड़ा उदाहरण देखा 8 फरवरी को,
और इतने लाखों लोग आने के बाद और इतना सुंदर कार्यक्रम विधिवत संपन्न हुआ तो प्रियाकांत भगवान ने देखा, हाँ इसके लिए भगवान ने हमको निमित्त बनाया है तो हम यहाँ इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम लोग इंडिया के, भारत के साथ साथ में हम लोग कनाडा में, यूएस में और अलग अलग देशों में महाराष्ट्री प्रवचन के लिए जाते हैं, लेकिन यूएस और कनाडा में भी हम लोग संस्था के माध्यम से, वहाँ भी हमारी संस्था गठित है और उसके माध्यम से उस कार्य को देखा जा रहा है। लगभग भारत में भी 5000 से अधिक हमारे वॉलंटियर कार्यकर्ता इसके लिए कार्य कर रहे हैं, जो प्रमुख कार्य कर रहे हैं। बाकी कार्यकर्ता तो लाखों के हैं, लाखों हैं जो महाराज जी के विचारों को आगे तक पहुंचा रहे हैं और लाखों करोड़ों भक्त इस संस्था को प्यार दे रहे हैं, अपना दुलार दे रहे हैं। और रही बात संस्था की, संस्था जैसा महाराज जी ने 8 फरवरी को एक संकल्प लिया, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो उसमें हम लोग 125 कन्याओं को वहाँ गोद लिया था 8 फरवरी के दिन, लेकिन वो कार्य वहाँ पूरा नहीं हुआ। और हम लोग प्रत्येक साल एक लक्ष्य बनाते हैं कि हमें एक किस तरीके से बहन बेटियों की जो पढ़ाई, या हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं क्योंकि इतना दिमाग रखते हैं, इतना सोच अच्छी रखते हैं, लेकिन धन के अभाव के कारण वो कुछ नहीं कर पाते, पढ़ाई को आगे नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और उनके लिए भी हमेशा संस्था के द्वार खुले हुए हैं। ऐसा नहीं कि जिनके लिए हम कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए करेंगे, नहीं, हमेशा संस्था के द्वार उन लोगों के लिए खुले हैं जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। और कोई धन के अभाव से या व्यवस्था के अभाव से कुछ आपको रुकावट आ रही है तो आप बिना संकोच किए संस्था में, आप शांति सेवा धाम में पधारें और आपका हर संभव कोशिश की जाएगी कि आपको मदद दी जाए, आपका सहयोग करके हमको दिल से खुशी होगी। तो ये संस्था के कार्य हैं और संस्था कोई मेरी या किसी एक की नहीं है, ये संस्था लाखों करोड़ों भक्तों की हैं जो इससे अच्छे अच्छे लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं और अपना जो धन भी देते हैं, अपना मन भी देते हैं और अपना समय भी देते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आ रहे हैं जिनका आज के इस कार्यक्रम से वास्ता नहीं है, उनकी जिज्ञासा है। चूंकि हमने महाराष्ट्र को आज स्पेशल इसी के लिए कल्चर टूरिज्म पे बात करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया है, तो महाराष्ट्र के पास जो प्रश्न जाएंगे वो सिर्फ कल्चर टूरिज्म को लेकर और धर्म और संस्कृति को लेकर जाएंगे, लेकिन फिर भी जो लोग साथ जुड़े हुए हैं उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं देना चाहूँगा। पवन पारिक, कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह क्यों किया? उन्हें बेटी के रूप में भी अपनाया जा सकता था, ये आज की व्यवस्था है, लेकिन जब कृष्ण हुए तब आपके बुजुर्ग या आपके पुरखे भी नहीं थे, तब वहाँ की व्यवस्था क्या थी, कानून क्या था? वो जो 16,000 रानियाँ थी, वो बहुत सारे राजाओं ने गरीब कन्याओं को शोषित करने के लिए और अपनी जिज्ञासा, अपनी लालसा पूरी करने के लिए उनको बंदी बनाया था, तो कृष्ण ने उन 16,000 लड़कियों को बंदी गृह से मुक्त किया था। और आप सोचिए, अगर कोई शोषित लड़की है उसे उस वक्त शादी कौन करता? और श्री कृष्ण ने उनसे शादी नहीं की थी, उनको शरण दी थी और उनको रानी कहा गया था। आप सोचिए, एक लड़की जो बहुत शोषित है और समाज में बदनाम हो चुकी है, किसी ने उसका शोषण किया है, उसे शादी कौन करेगा और उसको रानी तो कौन बनाएगा? उसके लिए समाज में जीना भी बहुत मुश्किल है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन लड़कियों को जो शोषित थी उनको छुड़ा के उनको उन्मुक्त स्वच्छंद जीवन दिया और उनको एक रानी का संज्ञान दिया। रानी मतलब जो रानी होती है, जो राज करती है, तब उनको रानी का संज्ञान दिया। ये पूरी कहानी है। कहीं ना कहीं इतिहास, समय बदला है, साथ में इतिहास बदला है। आक्रमण सिर्फ देश पर नहीं हुआ, हमारी संस्कृति पर, हमारे इतिहास, हमारे ग्रंथों पर भी हुआ है और वहाँ कुछ बदला गया है। हमें इसके लिए अंदर से बदलना होगा और चाबी सही जगह लगानी होगी। मैं अब इसको आगे लेके चलता हूँ। एक मनीष झा जी हैं, वो कहते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वो ठीक है, जो भगवान ने नियम बनाया है उसके अनुसार पत्ता नहीं हिलता। कर्म जो आप करते हैं, कर्म से मुक्त हैं, कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। मैं अब महाराष्ट्र की तरफ आगे लेके चलता हूँ। महाराष्ट्र जो कल्चर टूरिज्म है, ये कहीं ना कहीं हमारे रूट्स में, हमारी जड़ों में है, हमारे अंदर कहीं चला गया है। एक कहीं ना कहीं हमारे पास लोगों ने कहा है यहाँ पे कि महाराष्ट्र आप गुरुकुलम खोलिए और हम आपके साथ हैं और हम अपने बच्चों को वहीं पढ़ाएंगे। ये भी हमारे सामने इस तरह का आ रहा है। और क्या गुरुकुल, जो गुरुकुलम है, क्या वो कॉन्वेंट का ऑप्शन हो सकता है? एक उम्मीद है।
ऐसी उम्मीद अभी जताई जा रही है कि ऐसा क्या ऑप्शन हो नहीं सकता, यही व्यवस्था थी हमारे यहाँ, हम इसी व्यवस्था के अंडर चलकर ही पूरे विश्व में पहचान बना पाए थे। भगवान श्री कृष्ण जिनको हम कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े थे। जिनको अंग्रेज गुलाम करके भी अपनी बात न मनवा सके, वो सब लोग गुरुकुलम में ही पढ़े हुए थे, वो कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े हुए थे। जिस समय इन मुगलों का और इन अंग्रेजों का हम पर आक्रमण होता, उनके दुख हमने सहे, उस समय हमारी बहन बेटियों को अपने मान सम्मान के लिए अपने प्राण तो दे देती थी, लेकिन अपने मान सम्मान को नहीं जाने देती थी। वो सब की सब गुरुकुलम में पढ़ी हुई थी। आप गुरुकुलम की पद्धति को हल्का मत समझिए। अभी कोई पूछ रहे थे कि इंग्लिश बोलने वाला संस्कृत बोल सकता है, क्यों नहीं बोल सकता? अभी तो प्रचलन शुरू हुआ है यूरोप में, वहां गीता पढ़ाने लगे हैं अपने बच्चों को, वहां पर गीता पढ़ाई जा रही है। अमेरिका में गीता पढ़ाने का शौक चढ़ा है। वाइट पीपल, अमेरिकन पीपल, यूरोपियन पीपल, वो अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, साथ में संस्कृत, इंग्लिश तो वो उनकी है ही, लेकिन संस्कृत पढ़ा रहे हैं। जापान ने कितना बड़ा शोध संस्कृत पे किया है, जापान ने कितना वेदों से कुछ निकाल लिया जो आज हम उनसे खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हमने ये काम किया ही नहीं, हम तो बैठे रहे, सिर्फ कुर्सियों पे बैठे रहे, सत्ता चलाते रहे। ऐसा नहीं है, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में इतना कुछ भरा पड़ा है। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, जो इंग्लिश बोल सकता है वो संस्कृत भी बोल सकता है। बचपन जो होता है ना, वो कच्चे घड़े की तरह होता है। कच्चे घड़े को जो आप रूप देना चाहेंगे, जिस तरीके से आप बनाएंगे, वैसा ही बन जाएगा। आप बचपन में से ही उनको संस्कृत शुरू करिए ना, इंग्लिश भी शुरू करिए। अब मैं, आई एम कम फ्रॉम वृंदावन, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, देन संस्कृत भी, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, तो कहाँ गई संस्कृत? संस्कृत भी है, हिंदी भी है, और ब्रजभाषा भी है, इंग्लिश भी है, क्यों नहीं बोल सकते? सब बोल सकते हैं, लेकिन ये इच्छा होनी चाहिए कि अब हम, कनाडा में मैं गया था, वहाँ पर हमारे सरदार भाइयों ने खालसा स्कूल खोला हुआ है और बहुत गजब का चल रहा है। कैनेडियन पीपल वहाँ पढ़ने आते हैं, इतना अच्छा चल रहा है। तो वो उनकी इच्छा शक्ति है, तभी तो चल रहा है। जब उन्होंने, हमारे सरदार भाइयों ने अपने धर्म को बचाने की कसमें खाई हैं, तभी तो चल रहा है। अगर वो भी बैठ जाते कि नहीं हम कनाडा में आ गए, हम कुछ नहीं करने वाले, हम चुपचाप बैठ के सिर्फ तमाशा देखेंगे, जैसे भारत में तमाशा देख रहे। हर एक कस्बे में, छोड़ो गांव में, कॉन्वेंट स्कूल पहुंच गया और उसके साथ साथ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, और हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। हम तो कह रहे हैं हमारा बच्चा इंग्लिश सीख ले, बस हम तर जाएंगे। सारे इंग्लिश पढ़े हुए को क्या जॉब मिल रहा है? क्या सारे काम कर रहे हैं? क्या इंग्लिश पढ़े हुए बच्चे घर में नहीं बैठे? कितनों को तो मैं जानता हूँ जो घर में बैठे। कहाँ तक तुम्हारा प्रोग्रेस होगा, ये भाषा पे डिपेंड नहीं, तुम्हारे भाग्य पे डिपेंड है। जब तुम्हारा भाग्य अच्छा होगा, कर्म अच्छा होगा, तो निश्चित तौर पे चाहे हिंदी पढ़ो, चाहे संस्कृत पढ़ो, चाहे इंग्लिश पढ़ो, तुम्हारा प्रोग्रेस होगा। भगवान पे भरोसा रखो, भजन करते रहो, अपने देश का, अपने संस्कारों का सम्मान करो, माँ बाप के प्रति सदा संवेदनशील बने रहो, हमेशा उनके प्रति आदर पूर्वक जीवन जियो, तो देखो फिर तुम कैसे प्रोग्रेस करते हो, अवश्य करोगे। अभी आपने कथा में, एक प्रयाग की कथा में, आपने उसे दोबारा फिर से इलाहाबाद को प्रयाग करने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा एक प्रयास भी हुआ और लोगों के अंदर एक जागरूकता भी फैलाई गई और लोगों को जोड़ा गया और लोगों को ये भी कहा गया कि अपने साइन बोर्ड बदल दो और अपने नाम के साथ प्रयाग लिखना शुरू कर दो, इलाहाबाद लिखना बंद कर दो। जी कहा, और ये हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे जब इस स्थिति को आगे बढ़ाएंगे, तभी हमारे जो लोग हैं वो इस बात को समझेंगे। इलाहाबाद तो कभी था ही नहीं। इलाहाबाद कहाँ था? इलाहाबाद और हमारे देश का क्या मतलब, कोई एड्रेस है, कोई परिचय है, क्या है वो? प्रयाग था, प्रयाग है, प्रयाग रहना चाहिए। आप क्यों उसे कन्वर्ट कर रहे हो? आप पहले हमारी पहचान को बदल रहे हो, फिर हमारे बच्चों के भविष्य को बदल रहे हो, फिर हमारी स्थिति को बदल रहे हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। विजय शर्मा जी, कुछ शहरों का नाम पहले कुछ और था देश के, और बाद में कुछ और हो गया। पहले भी वो शहर फल फूल रहे थे, काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, नाम बदलने से होगा क्या? देखिए, जो जिस विषय पे ये बातें आज शुरू की हैं, कल्चर टेररिज्म, नाम बदलने से बहुत कुछ होगा। हमारी जो प्रयाग की भूमि है, वो एक श्रद्धा का प्रतीक है कि हम लोग प्रयाग में जाते क्यों हैं। इलाहाबाद
अब इलाहाबाद से क्या मिलेगा हमको? ठीक है, एक नाम दिया सरकार ने, वो हमको स्वीकार है, लेकिन श्रद्धा से यदि हम धर्म सनातन धर्म में जन्मे हैं तो शायद वो हमें स्वीकार नहीं होगा, मन से स्वीकार नहीं होगा। और जिस तरीके से अभी एक मुद्दा जो चल रहा है, ये तो प्रयाग का है ही, अभी जिस प्रकार बॉम्बे, अभी वो मुंबई है, लेकिन इससे पहले वो मुंबई था, फिर बीच में ये बॉम्बे कर दिया गया। क्यों कर दिया गया बॉम्बे? मुंबई क्यों है? क्योंकि वहाँ हमारी बोम्बा देवी, वहाँ हम सबको दर्शन देती हैं, तो उस वजह से उसका नाम मुंबई था। लेकिन बीच में कुछ न कुछ दिखाने के लिए, कुछ न कुछ लोगों को भटकाने के लिए उसको बॉम्बे कर दिया। अब ये कहीं ना कहीं हमें भटकाने की स्थिति पैदा की जाती है जानबूझकर, जानबूझकर साजिश हैं। और भी कई ऐसे चीज़ हैं, और भी कई शहरों के नाम हैं, रोड़ों के नाम हैं। आप क्यों नहीं, आप हमारे धर्म पर, हमारी धर्म पर, हमारे ग्रंथों पर, हमारे भक्तों भक्तों पर ये सब नाम क्यों नहीं दे सकते हो? आज हमारे जितने ग्रंथों में भक्त पैदा हुए उन पर आप नाम दीजिए। आप उस शहरों के नाम चेंज करने आपको शौक है, इतना शौक है तो उन पर नाम दीजिए। आप केवल पॉलिटिशियन लोगों का एक उद्देश्य होता है कि कैसे भी वोट बैंक को बढ़ावा मिले और वोट बैंक हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो उसके लिए हमें जो करना हो वो हम कर डालते हैं। लेकिन जब हम लोग महाराज जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं और इन मुद्दों को दुनिया के सामने लाएंगे और उनको बार बार बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर हमको किस तरीके से अटैक किया जा रहा है, किस तरीके से हमारे कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है, वो लोग जागरूक होंगे तो अवश्य बदलाव की स्थिति पैदा होगी। तो इस पर विश्व शांति सेवा ट्रस्ट आगे आने वाले समय में क्या करने वाला है? बहुत कुछ करने वाला है, अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या, बहुत कुछ होगा। और पहले जिस तरीके से भगवान श्री गीता में जिस तरीके से बताया कि भगवान श्री कृष्ण पहले संदेश देते हैं, प्यार का संदेश, और फिर उसको लोगों को बताते हैं, फिर एक लोगों में जागृति लाते हैं और फिर वो चीज़ें स्थिति पैदा होती हैं तो रिजल्ट अच्छा आएगा। लड़ाई कानून होगी या सड़कों पर होगी? नहीं नहीं, कानून होगी। ये हमारा महाराज जी के सब मार्गदर्शन में अध्यक्षता में जिस तरीके से आप देखते हैं कि शांति का एक संदेश दिया जाता है और शांति के साथ ही होगा, लेकिन जागरूक करके। क्योंकि जब तक एक हमारी एक आदत बन चुकी है, हमारा एक नेचर बन चुका है सरकार का कि आप लोग बड़े बड़े लोग नहीं आएंगे, बड़ी पब्लिक नहीं होगी, क्योंकि उनको वोट चाहिए, उनको किसी से मतलब नहीं है, उनको वोट चाहिए। जब वोट उनको दिखेंगी कि हाँ लाखों लोग हैं इस मुद्दे के साथ में, तो वो अवश्य इसको बदलाव करेंगे और उसको बहुत जल्दी चेंज करेंगे। क्योंकि हम उनको चाहिए, जिस तरीके से शेर को चाहिए उसकी खुराक, और उसकी खुराक के लिए जब उसको मिल जाए तो वो फिर दूसरी किसी की शिकार नहीं करता। तो इसी तरीके से जब नेताओं को वोट देंगे, हम सामने दिखाएंगे कितनी पब्लिक हमारे साथ इस मुद्दे पर है, तो वो फिर बहुत जल्दी से वहां से हटके फिर इसको जल्दी से पास करेंगे। आज हमारे देश में जो सबसे बड़ी व्यवस्था है वो है कॉन्वेंट स्कूल की व्यवस्था, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं है? मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, और तब तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जब आप ये कह देते हो कि बच्चों को तिलक नहीं लगाना, जब आप कह देते हो आप यहाँ राम राम नहीं बोल सकते, आप ये ढोंग अपने घर में करना, जब आप हमारी बहन बेटियों के हाथों से मेहंदी पत्थर से जबरदस्ती रगड़ कर उस बेटी को रोने पर मजबूर कर देते हो और आप कहते हो कि आप मेहंदी लगाकर इस देश में इस स्कूल में नहीं आ सकते। अरे भाई, हम भारत में रह रहे हैं कि कहीं और किसी ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे हिंदू धर्म का पालन करना सबसे बड़ा अभिशाप है? मैं उनकी व्यवस्थाओं से ना खुश हूँ। हो सकता है वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, हो सकता है वो अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन उनकी एजुकेशन उनके मैं आई एम सॉरी टू से कि वो उस लायक भी नहीं है कि वो एजुकेशन दे सकें। एजुकेशन देने वाले भी हमारे ही हैं, उनको किराए पर रखा हुआ है, बस पैसे पर रखा हुआ है, वो वहाँ से लेके नहीं आए। लेकिन उन्होंने व्यवस्था अपनी थोप दी है। पढ़ाने वाले तो हमारे ही लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था अपनी थोप दी, उनके द्वारा उनसे ये सब करवाया जा रहा है। एक कोई देवी जी थी, मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा उनका, वो सेवा के बहाने से धर्म परिवर्तन कराती थी। आज भी यही स्थिति है, तमाम सेवाओं के नाम पे धर्म परिवर्तन कराते हैं। अगर सेवा करनी है तो सेल्फलेस वर्क करो ना, आपको क्या जरूरत है? पहली बात तो मेरे देश को आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है।
जो सिर्फ आते तो सेवा के नाम पे हैं, बिजनेस के नाम पे हैं, और वो अपना दूसरा गंदा खेल खेलते हैं, गरीबों में जाके उनका धर्म परिवर्तन कराना, उनको पैसे दे के धर्म परिवर्तन कराना, हिंदुओं की संख्या को कम कर देना, इनके प्रति ऐसा कुछ न कुछ ऐसे कर, हिंदू साधु संत महात्माओं पर लालचन लगवा कर, उन्हें बदनाम करवा कर, उन्हें इस तरीके का नीचे दिखा दो जिससे कि वो अपनी बात कहें तो जनता उन पर बिलीव न करे। ये षड्यंत्र करना, ये आपको अलाउ नहीं कर सकता मेरा देश। और जिन लोगों ने ऐसे लोगों को सपोर्ट किया है, निश्चित तौर पर वो लोग इस देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं, और कल्चर टेररिज्म को बढ़ाने वाले वो सबसे बड़े गुनहगार हैं। हो सकता है यहाँ भारत का कानून ने बख्श दे, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ मेरे परमात्मा का कानून उन्हें छोड़ेगा नहीं। और जब उन्हें वो परमात्मा का कानून सजा देगा तो शायद वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, मेरी गारंटी है। डेफिनेटली वो झेलना पड़ेगा, दे विल हैव टू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई बचा नहीं सकता उनको, क्योंकि मेरा कन्हैया जब तक शस्त्र नहीं उठाता है तब तक नहीं उठाता है, जब उठाता है तो सामने वाले के शस्त्र गिर जाते हैं, इतना याद रखिएगा। तो इस एजुकेशन के नाम पे प्रलोभन देकर, कौन सी एजुकेशन है जो ये हमें बताती है कि हमारी बहन बेटियां कम कपड़े पहन के जाएंगी तभी वो मास्टर डिग्री हासिल कर सकती हैं? कॉलेजों में जाइए, मॉडर्न कॉलेजों में जाइए, वहां पर बहन बेटियों की ड्रेस कोड देखिए, उनके स्कूल का ड्रेस कोड देखिए। क्यों? क्यों? क्योंकि वो लोग जहां से आए हैं वो अपना पूरा प्रोग्राम थोपना चाहते हैं हमारे माथे पे। हमारे यहाँ कहते हैं कि बहन बेटियों का सम्मान करो, सबका आदर करो, तो यही सब चीजें हमें करनी है। और मैं कॉन्वेंट स्कूल के अगेंस्ट एजुकेशन के लिए नहीं हूं कि वो दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरी सभ्यता को अगर आप झुटला देंगे, मेरी संस्कृति को अगर आप ठोकर मारेंगे, मेरी संस्कृति को आप कॉन्वेंट स्कूल में नहीं घुसने देंगे, तो आई एम सॉरी टू से यू लिव इन इंडिया, यू वर्क इन इंडिया। अगर आप भारत में वर्क कर रहे हो, भारत का भारत में पढ़ा रहे हो, यहाँ से अर्न कर रहे हो, तो आपको भारत की मूलभूत परंपराओं का सम्मान करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपने बोया बिस्तर तैयार रखिए। मेरे दो प्रश्न हैं आपसे, एक का उत्तर नहीं चाहिए लेकिन मैं प्रश्न जरूर करूंगा, दूसरे का उत्तर चाहिए। मैंने अपने 14 साल के धार्मिक पत्रकारिता के जीवन में बहुत कथा में धर्म धार्मिक कार्यक्रम में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। पहले क्या होता था, जो हमारी दो पद्धतियां हैं, एक व्यास पद्धति और एक नारद पद्धति, ज़्यादातर जो रिवाज है वो व्यास पद्धति का रिवाज है। और पहले देखा जाता था कि बुजुर्ग जो कथावाचक हैं उन्हें बहुत ये देखा जाता था कि वो अपने में सिमटे हुए, अगर उनसे मजाक भी करो तो वो हंसते नहीं थे, वो चुपचाप बैठे रहते थे और बड़ी धीर गंभीर और एक बड़े मंत्रों के साथ, संस्कृत के गूढ़ मंत्रों के साथ वो कथा करते थे। कहीं ना कहीं जब से आप आए हैं तो वो ये कह रहे हैं कि आपने दिशा बदल दी है, अब जो भी कथावाचक है वो देवकी नंदन ठाकुर बनना चाहता है, जो नया युवा आ रहा है। कहीं ना कहीं आपने भजनों की संख्या बढ़ाई है और लोगों को साथ में उन्हें मनोरंजन कराना, उन्हें भजनों पर नचाना, ये भी आपने शुरू किया है। और इसका कारण, इसके पीछे आपकी सोच? समय, स्थिति, इस पर डिपेंड होता है। धर्म हमेशा एक जैसा नहीं होता है, एक समय में धर्म की परिभाषा दूसरी होती है, दूसरे समय में धर्म की परिभाषा, समय पे डिपेंड है धर्म किसको कहते हैं। आज का जो श्रोता है, जब वो हमारे विद्वान लोग कथा करते थे उस समय वही वैसे ही श्रोता भी थे, श्रोता भी उसी लेवल के थे। आज का श्रोता जो है, जो डिस्को में डांस कर रहा है, जो मूवी के गाने पे डांस कर रहा है, जो 24 घंटे मूवी जिसके कानों में गूंजती रहती है, उन लोगों को अगर कथा में लाकर उन्हें भगवान का प्रेमी बनाना है तो उन्हीं की भाषा में उन्हें समझाना होगा। अब मैं अमेरिका में जाके संस्कृत बोलता रहूं, कनाडा में जाके संस्कृत बोलता रहूं, पाकिस्तान में जाके मैं संस्कृत बोलता रहूं और वहां कोई समझे ही ना, तो फिर उस भाषा का मतलब क्या है? भाषा जो है वो मेरी भाषा है, संस्कृत हम सबकी कहेंगे नानी है, सभी भाषाओं की जननी है, हर एक भाषा इससे जन्म लेके आई है, लेकिन आज का बच्चा उस संस्कृत से बहुत दूर है। और मेरा उद्देश्य है उन बच्चों को भगवान की कथा सुनाकर भगवान की तरफ प्रेरित करना, दिस इज माई ड्रीम, दिस इज माई एम। तो उन चीजों को उनकी भाषा में जब मैं समझाऊंगा तो मुझे लगता है कि वो मेरी बात को जल्दी समझेंगे और भगवान की भक्त हो जाएंगे। और इसलिए यूथ आज आ भी रहा है, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलाबा, और जो यहाँ आता है वो राधे राधे बोलता है। राधे राधे सबको बोलना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा राधे राधे।
महर्षि, आज बहुत सारे कथा व्यास संत प्रचार करते हैं, आपको क्या लगता है कि अब किस दिशा में संतों को और बढ़ना चाहिए धर्म के साथ साथ? मुझे लगता है कि सभी साधु संतों को एक ऐसी पद्धति, ऐसी परंपरा भी शुरू करनी चाहिए जहां हमारे बच्चों को बचपन से ही एजुकेशन सिस्टम में से ही बचपन से ही ऐसी एजुकेशन मिले जो अपने धर्म के और देश के प्रति ईमानदारी रखें, माँ बाप के प्रति उनकी वफादारी हो, और सब चीज़ों के साथ साथ वो अपने मानव योनि के महत्व को समझें कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। जब उस लक्ष्य को समझ लेंगे तो मुझे लगेगा कि वो और आगे बढ़ सकेंगे। ये मेरी सबसे बड़ी बात है कि हम साधु संत मिलकर इस दिशा में बढ़ें, और एक अच्छे अच्छे गुरुकुलम सब लोगों को खोलने चाहिए जिससे सभी लोगों को इस तरफ बच्चों को पढ़ाई, अच्छी से पढ़ाई दी जा सके। कार्यक्रम का जो समय है वो बहुत कम बचा है अभी, लेकिन समय है। हमारे साथ आज की आधुनिक एक राम और लक्ष्मण की जोड़ी हमारे साथ यह मौजूद है, एक धर्म सेवी और एक समाज सेवी। लेकिन कुछ आप लोगों ने कि यहाँ प्रश्न है, मैं उनके ये वो प्रश्न यहाँ रखना चाहूँगा गुरुजी के सामने। श्याम शिवा पूछते हैं कि हमारे यहाँ मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन की दुकान चलाई जा रही है, हमें क्या करना चाहिए? और राजेश तिवारी झारखंड से, झारखंड वटवासियों का सहयोग है कि हमारे क्लास में भागवत गीता और ग्रंथ की पढ़ाई अवश्य होनी चाहिए, एक परेशान है और दूसरा कहीं ना कहीं उसे आशा है कि ऐसा होगा। देखिए, इस देश के कोने कोने में चले जाइए, ये विपत्ति आपको हर जगह मिलेगी। दुर्भाग्य से इस आवाज़ को उठाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन जब इस आवाज़ को लोग उठाएंगे और इस आवाज़ को लोग पढ़ेंगे और समझेंगे तो मुझे लगता है ये विपत्ति बहुत बड़ी है, और जितनी जल्दी हम लोग समझ लें उतना ही हम सब के लिए अच्छा होगा, और जितनी जल्दी हम लोग जितनी देर में समझेंगे उतना ही और भी भारी नुकसान होता रहेगा। तो जितने भी दर्शक हैं, मैं उन सबसे एक ही प्रार्थना करूँगा कि आप सब अपने अपने लेवल पर थोड़ा थोड़ा धर्म का प्रचार करें और धर्म के साथ साथ इस कार्य को आगे बढ़ाएं और कल्चर टेररिज्म के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करें। सरकार के कोई नुमाइंदे अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप लोग भी इस पे सोचें, और सोचें कि अपने इस देश को कैसे बचाया जा सकता है, बच्चों के भविष्य को कैसे बचाया जा सकता है। धर्म लोग परिवर्तन न करें, लोग उन्हें बदल ना सकें, वो अपने ही धर्म में लगे रहें, उनके लिए हम लोगों की क्या जिम्मेदारी है, ये सरकार की बात है, सरकार को भी सोचना चाहिए। देश के जितने भी प्रख्यात कथावाचक हैं, अगर पहले अगर आप, मैं एक नंबर की बात ना करूं तो एक नंबर में जो सबसे ऊपर आते हैं उनमें आपका नाम शुमार है। आपने यहाँ एक बहुत सुंदर मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण भी किया है, और अभी जो रेटिंग आई है पूरे देश में संतों की, सबसे ज़्यादा जो अंगेज हैं अपने भक्तों के साथ वो आप हैं, ऐसा क्यों? क्या है अंगेज? आप जुड़े हुए हैं, यानी कि आप कथा भी करते हैं, फिर आप सोशल मीडिया पे, आपके जो पेज है उस पे भी आप रोज, और व्हाट्सएप पे भी आप रोज मैसेज करते हैं, और रोज सुबह 5 बजे आपका मैसेज है वो भक्तों के घर पे पहुंचता है। कई मेरे जैसे लेट भी उठने वाले हैं वो लेट देख पाते हैं, और कई तो सुबह आपका मैसेज पढ़ लेते हैं, और आप मंदिर में भी जो आरती चलती रहती है और आपकी कुछ सेवा करें, तो इतना भक्तों के साथ इतना टच, इतना जुड़ाव, इसकी कोई वजह? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि मैं नंबर एक के कथाकारों में शामिल हूं। मैं तो जो इस लाइन में सबसे पीछे खड़े हैं, उस सबसे पीछे के चरणों की कण की धूल हूं। मैं कोई बड़ा नहीं, बहुत छोटा ना तुच्छ इंसान हूं, और बस जो ठाकुर जी ने मुझे सेवा सौंपी है वो मैं अपने मन से करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आंकड़ों से बोल रहा हूँ, ये आंकड़े बताते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़ों पे मत जाइए, कहते हैं ना कि दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ, तो वो वाला हाल है। मैं अपने आप को बहुत छोटा कण समझता हूँ, और हूँ, समझता इसलिए नहीं हूँ कि मैं सिर्फ शब्दों में बयां करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस हूँ मैं। पर हाँ, जो ठाकुर जी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसमें मैं जितना खरा उतर सकूँ मेरा सौभाग्य होगा। ठाकुर जी की जितनी सेवा, पूजा जनता की, धर्म की जितनी सेवा हो सके, ये मेरा सौभाग्य होगा, जनता का नहीं, मेरा सौभाग्य होगा कि अगर हम किसी के काम, क्योंकि हमारा शास्त्र भी कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, यूँ भरने को पेट अपना स्वान भी भर ही लेता है लेकिन भूख किसी और की मिटाए उसे इंसान कहते हैं। तो जो धर्म को आगे बढ़ाए वो मेरे ठाकुर को प्रिय होता है, और इसीलिए मैं इस कार्य में लगा हूँ कि जितना भी हो सके कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं और जितना हो सके धर्म की सेवा करें, बस। 24 जनवरी को एक यहाँ पर विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो प्रिया कंजू मंदिर की ओर से है,
और उसकी जो पूरी व्यवस्था है वो विश्व शांति सेवा ट्रस्ट देख रहा है। मैं चाहता हूं कि जो हमारे सचिव विजय शर्मा जी जो संस्था के सचिव हैं वो उसका जो निमंत्रण है वो अब भक्तों को एक बार आप उन्हें फेसबुक के भक्तों को आप जरूर दीजिए ताकि वो उन्हें वो अवेयर हो सके और इस कार्यक्रम में पहुंच सकें और जानकारी भी दें कार्यक्रम है क्या। देखिए 24 जनवरी का जो कार्यक्रम है ये प्रिया कांत जू का प्रथम पाठ उत्सव है और पाठ उत्सव बहुत लोगों को पता है लेकिन बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है पर पाठ उत्सव होता क्या है। तो हमारे जिस तरीके से हम निम्बायक संप्रदाय में हैं और निम्बायक संप्रदाय में और जो भी धार्मिक जो चार हमारी संप्रदाय होती हैं वो सब संप्रदायों में भगवान का जन्मदिन नहीं वो पाठ उत्सव मनाया जाता है जब भगवान प्रकट हुए थे। तो भगवान ने 8 फरवरी को जिस तरीके से आप जानते हैं कि सब भक्तों को दर्शन दिए, 5 फरवरी को लोगों को विदित है कि प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। तो 5 फरवरी की जो तिथि है उस तिथि के अनुसार जो तिथि अब पड़ रही है वो पड़ रही है 24 जनवरी को, क्योंकि हमारे यहाँ डेट के हिसाब से नहीं तिथि के हिसाब से भगवान का पाठ उत्सव मनाया जाता है। तो इस बार जो तिथि 5 फरवरी की जो थी वो अब 24 जनवरी की पड़ रही है, तो इसलिए पाठ उत्सव है। और इसमें जो कार्यक्रम रहेंगे सुबह में अभिषेक इत्यादि पूजन रहेगा, सभी भक्त उस समय मौजूद रहेंगे। इसके बाद में 10 बजे से संतों का आशीर्वचन हम सबको श्रवण करने को मिलेगा, 1 बजे तक चलेगा उसका भंडारा इत्यादि, और उसके बाद में 6 बजे से शाम को हम महाराज श्री के साथ और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आप सबको दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा और 6:30 बजे एक महाआरती हम सब भक्तों के साथ प्रिया कांजू की करेंगे। तो ये सभी कार्यक्रम 24 जनवरी को है, आप सब आएँ, आप सब लोगों के रहने की व्यवस्था यहाँ है और जो लोग सेपरेट रूम यदि वो चाहते हैं तो वो अपनी बुकिंग करा के आएँ। और ये कार्यक्रम 24 जनवरी को इस तरीके से है। तो मुझे एक कविता याद आ रही है कि बूंद बूंद से सागर बनता, बचपन में पढ़ी थी, बचपन में कैदों में पढ़ी थी, आज पता नहीं वो बची है या नहीं बची है, कि बूंद बूंद से सागर बनता, ईंट ईंट से महल बने, तार तार से तारा बुनती, जाला बुनती, मकड़ी सुंदर जाल बुने। चलिए भगत भगत जुड़ के ये कल्चर टेररिज्म के खिलाफ एक रेवोल्यूशन होगा, एक यहाँ अवेयरनेस आएगी और कहीं ना कहीं फिर समाज हम जगतगुरु जो भारत का जगतगुरु बनने की आगे 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 अग्रसर होगा। मेरी ओर से ये कार्यक्रम यहीं तक था लेकिन आपके लिए और महाराष्ट्र के लिए अभी कार्यक्रम है। मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को चरम तक और पहुँचाया जाए और वो महाराष्ट्री मंत्र के साथ पहुँचाएँ ताकि हमारी धर्म संस्कृति के अनुसार ही, अगर आजकल तो बाय बाय होता है लेकिन हमारी जो बाय बाय है वो मैं महाराष्ट्र से जानना चाहूँगा। देखिए हम सभी को चाहिए कि मानव जीवन के उद्देश्य को हम लोग गीता में पढ़ें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे आने का प्रयोजन क्या है, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजाम्य हम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ और एक ही युग में नहीं हर एक युग में आता हूँ, मैंने अपने लोगों को सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए भेजता हूँ और मैं भी आता हूँ। तो भगवान ने इस समय हम सबको भेजा है संसार में, आप सब जो सुन रहे हैं, मैं जो यहाँ हूँ सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए आए हैं और हम सबको अपने भगवान श्री कृष्ण के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे मेरा निवेदन, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सब प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, मंगल में रहें, अपनी जीवन की यात्रा को अपने उद्देश्य के साथ जिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र को हम संपूर्ण करेंगे। ओम शांति शांति शांति, राधे राधे। आप सबको बोलना पड़ेगा राधे राधे राधे। पूज्य महाराष्ट्र का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाभियान बनाने का पीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराष्ट्र ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराष्ट्र के अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है।
जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराष्ट्र ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 551,000 रुपए, समिति मेंबर 251,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्र द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 0114756400008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर dn/thakur/g, फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT।